नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुन पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि देश में संक्रमण की जो सुनामी गुजरी बहुत भयावह थी, और खासकर जो उसकी सेकेंड वेव थी उसने बहुत परिवार को क्षति पहुंचाई है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है देश में, ये बात जाहिर हो रही है कि लोग थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं। हमारी इस चैनल के थ्रू आपसे अपील रहती है कि हम आपको अलग अलग मेहमानों से जो दिग्गज है अपने क्षेत्र के, उनसे अवगत तो जरूर कराते हैं, और साथ ही में आपसे अपील भी करते हैं कि प्लीज ढिलाई ना बरतें, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर, सोप जो इत्यादि जो भी चीजें होती हैं जिससे आप अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रखें। आज हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं लीगल सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में। इंडिया की एक बहुचर्चित कंपनी है, उसमें आप वाइस प्रेसिडेंट लीगल हैं, बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं। साथ ही वो हमारी बैचमेट भी हैं सिंगापुर से, क्योंकि हम लोगों ने मास्टर साथ में पढ़ा था। लेकिन प्रोफेशन में मुझसे थोड़ा सा सीनियर है, उम्र में भी शायद मेरे से कुछ साल सीनियर, उनकी अगर उम्र का तकाजा दिया जाए तो। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नेहा। स्वागत है आपका। और नेहा का पूरा नाम दर्शकों को बता दें, श्रीमती नेहा राय माथुर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट लीगल है सेंट्रम पे। तो नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जयंत, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। 15 मतलब 11-12 साल हो गए हम लोग मिले हुए, बट हम जी कांस्टेंट जी टच में रहे, दो हजार आठ के तो बाद 2021 में अब वर्चुअली मुलाकात हुई। इमेजिन। जी तो थैंक यू फॉर दिस शो। मैं आपका शो फॉलो कर रही हूँ एंड वेरी गुड एफर्ट दैट यू हैव पुट इन। एंड सबसे अच्छी बात आपके शो की मुझे लगती है कि आप हिंदी में बात करते हैं और बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा पे ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश तो हम लॉ स्कूल में पढ़ते ही हैं। मीन्स ऑफ एडुकेशन इज इंग्लिश फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और हम सबको इंग्लिश आती है, बट हिंदी में बात करना और आपकी तरह प्रोफेशनल होना बहुत अच्छी बात है। गुड, नहीं, कुडोस लेकिन टू यू। लेकिन काम काम काज में अंग्रेजी जरूरी पड़ती है, क्योंकि डॉलर और रुपए की बिलिंग उसी में होती है, तो उससे हमारा घर चलता है। और हिंदी से मुझे लगता है थोड़ा सा आत्मिक सुख मिल जाता है हम लोगों को कहीं ना कहीं। पर ज्यादा आपका सबको समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब की, जो हमारी एक पृष्ठभूमि है। लेकिन जो औपचारिकताएं होती हैं उसको जरा साइड में रखते हुए मैं आपसे एक मूलभूत सवाल करूंगा, जो मैं अपने बाकी अतिथियों से भी करता हूँ, कि थोड़ा सा कानून के आपके दायरे में आने से पहले और कानूनी पढ़ाई के बारे में जानने से पहले शुरुआती आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। आपका जन्म किन शहरों में हुआ, किस शहर में हुआ, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, और वो कौन से लम्हे, कौन से पल रहे आपके जीवन में जहां आपको लगा कि अब आपको कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। तो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, मतलब पैदा हुए भोपाल में जॉइंट फैमिली में। तो माई फादर इज 7 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, मतलब बड़े पापा बड़ी मम्मी मिला के। तो बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी। जब हमारा बर्थ हुआ तब शायद हम पापा के लिए लकी थे। आई एम द थर्ड चाइल्ड, मेरी सबसे बड़ी बहन है, फिर भाई है और फिर मैं हूँ। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन जब हमारा बर्थ हुआ तो पापा को प्रमोशन मिला, वो बैंक मैनेजर थे। तो अरे वाह, प्रमोशन हुआ तो हम छोड़ के भोपाल से निकल गए, और एज अ टॉडलर हम गए। और जब एडुकेशन शुरू हुई 3rd स्टैंडर्ड में, तो हम वापस भोपाल आ गए, क्योंकि पापा चाहते थे हम सब भोपाल में जॉइंट फैमिली में रहे। बट क्योंकि वो सीनियर पोजीशन पे थे, घर अलग हो गए, बट वो फीलिंग ऑफ जॉइंट फैमिली थी, इतना बड़ा परिवार। तो एक ही स्कूल में हम 12 साल पढ़े, फ्रॉम 1st टू 12th, और फिर 5 साल लॉ स्कूल भी भोपाल में आ गया था लकीली। जी। तो वहाँ स्कूल शुरू में से ही, आई थिंक मेरा बचपन थोड़ा बोरिंग था। आई वॉज अ बुकवर्म, मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रट्टाफिकेशन और क्लास में अच्छे टॉप 5 में आना, क्योंकि शायद मेरे फादर को उससे बहुत खुशी मिलती थी। माई पेरेंट्स ऑलवेज फोकस्ड कि पढ़ाई बेस अच्छा होना चाहिए। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में हमने कुछ भी नहीं किया, एंड आई रिग्रेट दैट। थोड़ा स्पोर्ट्स, कुछ भरतनाट्यम या कोई कल्चरल चीजें सीखना, पेंटिंग का शौक था तो वो अभी भी थोड़ा बहुत करते हैं, बट सीखा कुछ नहीं, पढ़ाई के अलावा जी कुछ नहीं किया। 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी सोच ली कि बायो डॉक्टर बनना है। 10th के बाद बायो लिया। अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, और अप्रैल एंड में ही आई स्टार्टेड कोचिंग प्री जी मेडिकल एंट्रेंस की। तो खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की, कि PMT क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है, MBBS ही करना है। उसके बाद 1999 में 12th पास हुआ, और मेरी बर्थडे के दिन, जो कि इस संडे को ही है, 4 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया, जी और मार्क्स अच्छे थे बट MBBS के लिस्ट में नाम नहीं था। तो मुझे लगा अब तो जिंदगी खत्म हो गई, मतलब इतनी मायूसी छा गई थी उसी दिन कि ये बर्थ ही क्यों हुआ था। इतनी मेहनत की 2.5 साल से कि एक मेडिकल एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाए। जी बहुत बहुत दुख हुआ था, बट लाइफ हैज टू गो ऑन। पापा मम्मी ने बहुत मोटिवेशन किया कि इट्स ओके, मे बी समथिंग, यू आर डेस्टाइंड फॉर समथिंग, टेक अ अपियर नेक्स्ट ईयर। बट आई वॉज लाइक नहीं, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं
मैं करूंगी। उन्होंने कहा आर्म फोर्सेस मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करो, आर्मी में जाओ। उसकी भी तैयारी की। माई फादर टुक मी टू महू, क्लोज टू इंदौर, टू अपियर फॉर द एग्जाम। जी और फिर हमने थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट की जब वो गैप लिया। बट आई डेंट टेक अ गैप, आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ फॉर बीकॉम। तो फिर मेडिकल एंट्रेंस की फिर से तैयारी करने बैठे, और साथ में आर्म फोर्सेस के लिए महू गए। उसके साथ पापा ने कहा चलो गैप मत लो, क्योंकि तुम्हें अभी भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 12th के साथ कोई प्लान भी नहीं था कि बीकॉम करना है, जी सीएस करना है, या क्या करना है, या गैप लेना है। तो हमने बीकॉम में एनरोल किया अपने आप को। उसके साथ हमने सोचा हम सीएस कर लेंगे, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स। तो प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन वो मेडिकल का फिर से पापा ने कहा बैठो, यू कांट बी अ फेलियर इफ यू सिट फॉर इट। तो ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई की। माई सिस्टर वॉज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एंड फॉर्चुनेटली भोपाल में लॉ स्कूल भी उस टाइम आया था। जी तो उन्होंने कहा कि आप लॉ एंट्रेंस भी दो। आई रिमेम्बर लास्ट डे फॉर्म्स फिलिंग की निकल चुकी थी, बिकॉज लॉ भी कोई, इट वॉज नॉट एन ऑप्शन, हमने सोचा भी नहीं था कभी लॉ करेंगे। माई ब्रदर पेड एक्स्ट्रा टू गेट द फॉर्म, लेट फी पे करके हमने एंट्रेंस फॉर्म भरा, एंट्रेंस एग्जाम दिया ऑल इंडिया लेवल का। एंड क्योंकि बीकॉम भी कर रहे थे, साइंस भी पढ़ रहे थे, तो थैंकफुली लॉ एंट्रेंस में 10th पोजिशन आ गई। जी और 2022 में, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट बिकॉज इट्स माई फादर्स बर्थडे, उस दिन उन रिजल्ट आया एंड ऑल इंडिया में 10th पोजिशन आई। और मेडिकल एंट्रेंस का भी एग्जाम में बैठे, और 1 जुलाई को हमारा लॉ स्कूल चालू हो गया। पापा ने कहा अभी जो मिल रहा है एडमिशन ले लो। माई फादर टुक मी टू द लॉ स्कूल, मिस्टर डॉक्टर रेकी वॉज द डीन देयर। जी हमारे पहचान वाले कोई वहाँ सब रजिस्ट्रार थे, रिलेटिव। उन्होंने कहा इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला है, एंड यू आर थिंकिंग कि मेडिकल में जाना है, यू हैव टू डू दिस, कम एंड मीट द डायरेक्टर। प्रोफेसर रेकी वॉज वेरी काइंड इनफ, वेरी नॉलेजेबल। उन्होंने हमें अपने ऑफिस में बिठाया, समझाया कि नया 5 साल बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, जस्ट गो फॉर जी इट। जी एंड जी सिंस यू आर सेइंग कि तुम बुक वर्म हो, तुमने बायो पढ़ा है, तो तुम लॉ बुक्स तो आराम से पढ़ लोगी बैठे बैठे, तो जी कर लो लॉ कर लो। फिर जुलाई 1 को लॉ कॉलेज स्टार्ट हो गया, फीस भर दी। और आई थिंक 15 या 20 जुलाई को हमारा MBBS का एडमिशन का लेटर आ गया। अरे वो 6 बड़ी विडंबना अगस्त वाली टू बात हो गई थाउजेंड है बहुत जी। मतलब 6 अगस्त को फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हुए लॉ स्कूल में, और पहला पेपर शायद पॉलिटिकल साइंस का था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में थोड़े वीक थे। और उसके बाद मेडिकल का एंट्रेंस का एडमिशन आ गया। तो पापा ने कहा डिसाइड कर लो, तुम्हारे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में ही मिल रहा है, जो तुम्हें चाहिए था, 3 साल से सोच रही थी, छोड़ दो लॉ, फीस भरी है तो कुछ नहीं, छोड़ दो, आ जाओ MBBS करने। और मेरे जो सारे चाचा जी, बड़े पापा, सब लोग बोलते थे कि उन लोगों की मेडिकल प्रैक्टिस थी तो तुम डॉक्टर बनो, हम MBBS नहीं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो हमें एक MBBS चाहिए हमारे खानदान में, ये लॉ वॉ करके कुछ नहीं होता है, लॉ डिग्री तो ऐसे ही मिल जाती है। उनको जी पता नहीं था MBBS, BA, LLB उनको का उनको पता नहीं मतलब था कि क्या वो है। एक किसी को वाइस प्रेसिडेंट जो बाद में प्रेसिडेंट बन सकते बनने से रोक रहे थे जी। लेकिन फिर मैंने अपने फिर प्रोफेसर से बात की। 6 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस टेस्ट में 15 में से 6 नंबर आए, फेल हो गई, कि जी क्योंकि पढ़ाई नहीं की, कि छोड़ना ही है लॉ। तो लेकिन फिर प्रोफेसर ने बहुत समझाया कि NLS बैंगलोर के बारे में देखो, थोड़ी फ्रेटर्निटी के बारे में पढ़ाई करो, तुम्हें अभी पता नहीं है तुम कहाँ हो, यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। 5 साल MBBS करोगी, फिर MD के एंट्रेंस की तैयारी करोगी, फिर शादी हो जाएगी, लाइफ विल जस्ट गो लाइक दैट ओनली। वी जी आर नॉट सेइंग यू कांट डू इट, यू कैन, बट 5 साल बाद यू विल बी अर्निंग हियर, वहां पे 5 साल बाद यू विल बी अगेन अपियरिंग फॉर एन एग्जाम, तो सोच लो। फिर हमको लगा अच्छा ठीक है, जब आ ही गए हैं यहाँ पे तो फिर लगा के पढ़ो। तो फिर लॉ स्कूल में कंटिन्यू किया, खूब पढ़ाई की। फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट में फेल हुए थे तो एक धचका लग गया था, तो जी फर्स्ट सेमेस्टर में हम थर्ड आ गए, मतलब 80 के बैच में थर्ड आ गए, तो वो भी मैं विश्वास इस नहीं हुआ जर्नी कि पे 2 मिनट में आता हूँ। पहले तो आपने जो इतनी हाँ बढ़िया जो इतना सुंदर वृतांत दिया जो वर्णन था कि कैसे आप शुरू से मेडिकल की तरफ रुझान रहा आपका और मेडिकल के बाद होते होते बाय डिफॉल्ट आप लॉ में आ गई। और लॉ में लॉ, भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं आप नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो कि देश के सर्वप्रथम लॉ स्कूलों में इनकी गिनती होती है भोपाल में स्थित है नेशनल यूनिवर्सिटी है और शुरुआती नेशनल यूनिवर्सिटीज में से उनकी गिनती होती है। देश में नामी गिरामी कॉलेज में उनका नाम आता है। वहां पे नेहा जी ने अपना दाखिला लिया तो ऐसे ऐसे कॉलेज में नहीं थी देश के बहुत बड़े कॉलेज में थी और वहां पे भी उन्होंने बताया कि एक एक द्वंद्व चल रहा था अंतर्द्वंद भी कह सकते हैं उसे कि मेडिकल में भी हो गया इतने बढ़िया कॉलेज में और
इतने देश के एक अच्छे नामी गिरामी आपका नेशनल स्कूल में एडमिशन हो गया, वहां से भी अब कैसे करें, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमने पढ़ाई छोड़ दी। वो सब उस पर अभी 2 मिनट के चर्चा के विषय पे आएंगे, पर दर्शकों को बता दूं इन्होंने जो बोला कि मैं पढ़ती बहुत ही, तो देखिए पढ़ना कभी भी खराब नहीं होता, मैं आपको लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर आप पढ़ेंगे तो आप भी उनकी तरह एक मतलब आला दर्जे के मतलब वकील और एक वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट जो भी पोस्ट आप शिखर में पहुंचेंगे बाद में, ईश्वर से कामना है, उसको आप एकदम सुसज्जित कर सकते हैं। तो पढ़ना ना छोड़े, और साथ में जो भी आपके अदर एक्टिविटीज हो, चाहे आपको डांसिंग सिंगिंग म्यूजिक जिसका भी आपको रुचि रहती है, वो जरूर कीजिए साथ में, क्योंकि मैथमेटिक्स में ओवरऑल डेवलपमेंट में उसमें हमारा बड़ा साथ बहुत साझा होता जरूरी, है ना। तो नेहा बहुत जी ऐसा जरूरी। करते हैं, अब आते हैं आपके इन 5 साल के कोर्स पे, क्योंकि 5 साल का कोर्स होता है हमारा उस टाइम पे, और उस टाइम पे क्लैट का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि देश भर में जो कुछ करेक्ट प्राइवेट स्कूल थे और जो कुछ करेक्ट। नेशनल स्कूल थे, उन सबके अपने इंडिविजुअल एग्जाम हुआ करते थे। तो ये 5 साल में आपने कितनी पढ़ाई की, क्योंकि मुझे पता है आपको पढ़ने का बहुत शौक है, आपने खुद भी बोला इस बात को, तो 5 साल में कितनी मेहनत रही पढ़ाई पे, और कितना तवज्जो आपका रहा बाकी को-करिकुलर एक्टिविटीज में, जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ लेते हैं कि भाई इंटर्नशिप कितनी करें, पब्लिकेशंस लिखें कि नहीं लिखें, मूट कोर्ट से डिबेट्स करें कि नहीं करें, इन सब में आपकी कितनी कितनी प्रतिस्पर्धा रही, और इसके बारे में मैं आपका थोड़ा सा जो जो आपका वो मत है वो जानना चाहता हूँ, कि हमारे यंग दर्शक हमसे बार बार सवाल करते हैं और जवाब देने के लिए आपसे बेहतर इंसान कोई। तो जयंत, आपकी भाषा में एक मैंने एक शेर कहीं से लिया है, मुझे जी शायर नहीं पता, बट मैं कहना चाहूंगी इस जंक्चर पे, क्योंकि हम मेहनत की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई एक मेहनत का ही काम है। जरूर जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। अरे वाह, बहुत तो जो एकदम जो 2.5 साल मैं सुबह, मतलब 10th के बाद से 5:30 बजे ट्यूशन जाती थी, उसके बाद 7:30 बजे स्कूल, 2:30 बजे स्कूल से आने के बाद 3:30 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक, फिर ट्यूशन, फिर स्कूल का होमवर्क, 12th की तैयारी, फिर वही वही साइकिल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चलता रहता था। जी मैंने मतलब रजिस्टर भरना, सारे बुक्स, तो वो मेहनत, मैं सोचती थी जब 4 जुलाई को मेरा रिजल्ट आया, PMT आया, ये सब वेस्ट, डाउन द ड्रेन, लेकिन वो मेहनत वेस्ट नहीं थी। ऑनेस्टली पढ़ाई बहुत जरूरी है, जैसे आपने बोला, बेस जी बनाना, और वो एक आदत की बात होती है कि आपको बुक्स की आदत है, बुक्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, तो भले वो एब्सोल्युटली टेक्स्ट बुक हो, यू हैव टू रीड इट, लाइक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। जब हम कॉलेज में लॉ स्कूल में आए तो कॉमन लॉ मेथड, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब में पढ़ना ही पढ़ना था, मतलब सारी थ्योरीज, और इंग्लिश भी था, फोनिक्स फेनेटिक्स भी पढ़ाया हमको जी इंग्लिश में भी, मतलब बहुत सारी चीजें। PhD डॉक्टर थे हमारे मुकेश श्रीवास्तव सर, वो इंग्लिश भी इतने तवज्जो से पढ़ाते थे हमको कि हर चीज में मेहनत करनी पड़ती थी। और ट्रेमेस्टर सिस्टम था जयंत, हर 3 महीने में 5 एग्जाम सब्जेक्ट्स, हुआ करते थे, साल को प्रोजेक्ट, 3 भाग यूनिट में बांट दिया टेस्ट, आपके। जी और मतलब आप बस लगे हुए हो, योर स्लॉगिंग। तो वो जो 2.5 साल की पढ़ाई थी, बुक्स पढ़ के रटने की, नोट्स बनाने की, वो बहुत काम आई एग्जाम्स पास करने में, BA LLB के। बट इंटर्नशिप्स डेफिनेटली, मैंने फर्स्ट ट्रेमेस्टर के बाद ही, अपने सेकंड ट्रेमेस्टर की दिसंबर की छुट्टियों से इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। पहले जी NGO में गए, क्योंकि पापा भोपाल में थे, बैंक के मैनेजर थे, काफी इन्फ्लुएंस था उनका, तो छोटे शहर में और डे स्कॉलर होने का काफी फायदा होता था हमको, विधानसभा की लाइब्रेरी की एक्सेस मिल जाती थी, वहां भी हम बुक्स पढ़ते थे। फिर पापा ने हमको ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की मेंबरशिप दिला दी थी। तो मेरा को कैरिकुलर में जयंत सिर्फ क्या था, क्विज होता था BACL का, वो जी क्विज हमारा को करिकुलर एक्टिविटी होती थी, उसमें बड़े बड़े लोग आते थे अवार्ड देने। तो शोभा डे जी से मिलने का मौका मिला, आ, आ, बहुत सारे लोग आते थे वहाँ लिटरेरी वर्ल्ड से, तो आप क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे तो आपको अच्छा अवार्ड मिलेगा, न्यूज़पेपर में फोटो आएगी, तो वो हमारी को जी करिकुलर एक्टिविटी होती थी। फिर 5 साल खूब मेहनत की, मैं जैसा मैंने बोला, इंटर्नशिप्स यस बहुत जरूरी है, आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको देखना है कि आप भविष्य में क्या करने वाले हो, लिटिगेटिंग लॉयर बनने वाले हो, NGO ज्वाइन करने वाले हो, प्रोफेसर बनने वाले हो, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाने वाले हो। अब लिटिगेशन में भी मेरे फादर ने, की पहचान थी एक लॉयर से, फैमिली फ्रेंड, तो फर्स्ट ईयर खत्म हुआ और उन्होंने एक क्रिमिनल लॉयर के पास मेरी प्रैक्टिस करने को भेजा। उनके यहाँ एक लेडी लॉयर थी, तो और उस टाइम भोपाल का जो कोर्ट था वो पुरानी बिल्डिंग में था, अभी तो अच्छी नई बिल्डिंग बन गई है, पूरा वही व्हाइट ड्रेस, ब्लैक कोट पहन के हम फर्स्ट ईयर के बाद, अंकल ने कहा भाई आ जाओ तुम, और कोर्ट में भी आओ। तो कोर्ट में तो मैं और वो जो एक सीनियर थी मेरे साथ, मैं छोटी बच्ची, मतलब 12th पास और फर्स्ट ईयर ही पास जी, और हुआ आप पहुंच गई है, क्रिमिनल लॉयर के BCPC कुछ पास। पता नहीं, बट जी उन्होंने कहा कि आप देखो सीखो, अभी से सीखोगे तो अच्छा है, पेपर वर्क करो। तो पहले दिन कोर्ट में गए तो सब वहां, तो मतलब आपका माहौल पता ही है,
सौ मेन तो दो वुमेन, तो जी मतलब आप यू वर लाइक बीइंग वॉच्ड फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, तो थोड़ा हिचक आ गई वहां की, भाई कोर्ट का माहौल तो अच्छा नहीं है, वो मन में बैठ गया। फिर फर्स्ट वीक में ही वो क्रिमिनल लॉयर के पास एक केस आया, दो गांव के लोग आए और उन्होंने आके लॉयर से क्या बोला कि हाँ भाई हमारे हो गया लड़ाई, गुस्से में हमने तो हथौड़े से मार दिया उसको, ही जी एक्सेप्टेड द ऑफेंस दैट आई डिड द क्राइम एंड नाउ हमको क्या काम दिया कि इनकी एवरी एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर, जी फर्स्ट नेचुरल जस्टिस। तो उन्होंने उसका केस डिफेंड करने के लिए ले लिया और फिर उसको प्रिपेयर करना शुरू किया कि पूरे इंसिडेंट कैसे हुआ। मुझे लगा कि यार जब एज अ किड आई वॉज थिंकिंग नॉट एज नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स या एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, कि अगर उसने किया है तो उसको तो जेल जाना चाहिए, वो एक बचपना था उस टाइम। जी बट मैंने पापा को जाके बोल दिया कि मुझे क्रिमिनल प्रैक्टिस तो मतलब सीआरपीसी ही नहीं पढ़ने वाली हूँ मैं तो, मतलब जी जी प्रोसीजरली पढ़ लूंगी एग्जाम के लिए बट प्रैक्टिस तो दूर दूर तक नहीं है। एक तो कोर्ट का माहौल अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा वहां जाके, और ये तो लोग मतलब खून लग मारकाट रहा है करके आ बॉडी रहे पे हैं। और वह जी जी मारकाट करके आ रहे हैं, मेरे बस की नहीं है ब्लड ब्लड पापा। मनी से मैं सरवाइव नहीं करना चाहता। जी नहीं तो सिविल कोर्ट तो क्रिमिनल कोर्ट रूल आउट हो गया। फिर जी हमने एनजीओ में काम किया, एक बढ़िया एनजीओ था, वहां पे हमने एडुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा काम किया कि बुक्स पब्लिकेशन कैसे हो उसका लॉ पे रिसर्च किया, बट वहां पे भी लगा कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में थोड़ा। तो ये हर साल की इंटर्नशिप है, जैसे जैसे 5 साल में एवरी वेकेशन वॉज हार्ड वर्क, तो उस टाइम भी मतलब कोई पार्टी नहीं कोई मस्ती नहीं, 5 साल बिल्कुल ऐसे होते ना कि ब्रह्मचर्य आश्रम में थे हम, स्टूडेंट लाइफ जी प्रॉपरली ब्रह्मचर्य आश्रम वो चल रहा था, और उसका बेस पापा ने बनाया था। वो ही वाज ऑलवेज लाइक पढ़ाई 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 करो, खुश हो वो खुश होंगे तो हम भी खुश हैं, तो उसलिए पढ़ाई पे हमने भी ध्यान दिया। फिर उसके बाद हम गए हाईकोर्ट ऑफ नागपुर, नागपुर के हाईकोर्ट में हमने एक सिविल जज लॉयर के साथ प्रैक्टिस किया। वहां पे भी मतलब ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स थे, पीआईएल्स थे, वो देख लिए, बट फिर वो किक किक नहीं मिल रहा था कि ये लॉयर के जॉब में कुछ किक मिले। तो फिर आईसीआईसीआई बैंक में हमने एक 2 महीने की ट्रेनिंग ली, 2 महीने बैंक में काम किया। आईसीआईसीआई बैंक का कॉर्पोरेट लीगल वॉज द बेस्ट प्लेस टू वर्क लाइक स्लॉग, बहुत अच्छा काम सीखा। 2 महीने इंटर्नशिप करना और स्टाइपेंड मिलना बहुत अच्छा लगा, कि मेहनत भी की, सिक्योरिटाइजेशन लॉ पे बहुत सारे सेशंस किए, रिसर्च पेपर लिखे एज अ स्टूडेंट जितना कर सकते थे, बट काफी मेहनत की। फिर उसके बाद अब लगा कि भाई फोर्थ ईयर में आ रहे हैं, फोर्थ और फिफ्थ हैज टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज जॉब मिलना है उस पे, और पापा ने क्योंकि एजुकेशन लोन लिया था तो लाइबिलिटी थी कि 5 साल बाद ये लोन तो चुकाना है। इट वॉज एन एक्सपेंसिव कॉलेज और 3 बच्चे, एक सोल अर्निंग मेंबर पापा, तो ही टुक दैट ब्लंट यू नो, तो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने दिल्ली की तरफ रुक किया कि अब हम दिल्ली जाएंगे, और पापा ने थोड़ा फ्रीडम भी दिया हमको कि ठीक है अच्छे फ्रेंड्स बन गए कॉलेज में आप जाओ, नहीं तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं कि भाई अकेले बाहर भी नहीं जाना है 7:30 बजे के बाद, बट फ्रीडम मिला कि हम दिल्ली जाएं। तो दिल्ली में लकीली बहुत अच्छी इंटर्नशिप करने को मिली, इंदु मल्होत्रा जी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी उनके साथ काम किया, फाली नरीमन जी के साथ ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया, आई मीन गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे अभी भी याद करके वो सेशन, और मतलब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल क्लर्कशिप किया। अब जुडिशियल क्लर्कशिप हमें कॉलेज के थ्रू मिली थी, हम 3 स्टूडेंट्स को और जस्टिस रूमा पाल थी उस टाइम, उनके अंडर काम करने का मौका मिला, और मेरा गुड लक देखिए किस्मत अच्छी थी, मतलब आई वॉज मेड टू बी अ लॉयर, वो डेस्टाइंड था। तो जस्टिस रूमा पाल जी के यहाँ हम पहले दिन कोर्ट में अपियर हुए, फिर उन्होंने एक मैसेज भेजा कि नेहा कल सुबह घर पे आओ, तो हम घर पे गए, उन्होंने कहा नेहा मेरे पास या घर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की राइड का टाइम है, आई वॉन्ट टू स्पीक विथ यू। तो मतलब किस्मत खुल गई, जज के साथ गाड़ी में बैठ के उन्होंने मुझे बोला कि नेहा मैं चेन्नई जा रही हूँ, मेरी कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, आई विल हैव टू प्लेस यू विद समबडी एल्स। तो ये उन्होंने पर्सनली कार में बिठा के बोला, एंड आई वॉज लकी इनफ टू सी द बैक कॉरिडोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जहां जी से जी जजेस अंदर जो जाते हैं, जजेस की जो एंट्री जी जी जजेस की जो इट वॉज लाइक कलोनियल एरा, मतलब वो वो बहुत ही ग्रैंड है वो अपने आप में। तो जी प्रिविलेज हो सुप्रीम कोर्ट जी की जुडिश बहुत तो जस्टिस रूमा पाल जी के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि फिर आप जस्टिस वरियावा के साथ काम करिए।
जस्टिस दरियावा के साथ फिर हम प्लेस हो गए, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे जजेस लॉयर्स को सुना बोलते हुए। जस्टिस दरियावा बोलते थे मेरे कोर्ट में मत बैठो, पूरे कोर्ट्स में घूमो, शाम को आके ब्रीफिंग करना मुझे। तो उनके केस की ब्रीफिंग्स तैयार करना जुडिशियल क्लर्कशिप में, और ही वॉज टू मेक इट अ पॉइंट कि नेहा ने नोट्स बनाए तो ही विल शो मी दैट आई एम रीडिंग योर नोट्स। वो जी हियरिंग मंडे और फ्राइडे जब केस एडमिट होते थे तो वो बिठाते थे, मंडे फ्राइडे बैठना बाकी दिन तुम घूमती रहना। तो वो दिखाते थे, देखो आई सीन योर नोट्स, आई एम टेकिंग योर ओपिनियन एंड देन आई एम डिसाइडिंग। तो एंड इट वॉज लाइक डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। तो 3 हफ्ते की जुडिशियल क्लर्कशिप वॉज, एंड आई थिंक स्टूडेंट शुड डू इट, वेदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल क्लर्कशिप इज वन एक्सपीरियंस एवरीबडी शुड हैव ड्यूरिंग पर्सपेक्टिव लॉ बहुत स्कूल अच्छा होता डेज। है आपका जी। बहुत पता चल जाता है लाइफ में आगे क्या करना है। उस टाइम लगा मुझे कि यार जज या लॉयर बनना चाहिए, लिटिगेटिंग लॉयर। सो जुडिशियल क्लर्कशिप का एक्सपीरियंस वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उसके बाद फाइनली, अब फाइनल इंटर्नशिप बची थी दिसंबर की, उसके बाद प्लेसमेंट्स होने थे। तो फिर हमने की उस टाइम अमरचंद मंगलदास, दिल्ली ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट में शार्दुल सर के अंदर जी इंटर्नशिप किया, तब तक स्प्लिट नहीं हुआ था फॉर्म और उसका। तब तक स्प्लिट नहीं हुआ था। तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मेहनत मेहनत काम आती है। तो हमें प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिला, हालांकि सेलेक्ट नहीं हुए, विच वॉज ओके। फिर कैंपस प्लेसमेंट में खेतान एंड कंपनी आई, बट इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, एक मैंने लॉ स्कूल में प्रॉपर्टी लॉ पे एक प्रोजेक्ट किया था, एम्पिरिकल स्टडी जयंत, आई वुड वांट टू हाईलाइट दैट कि कैसे थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट भी आपको जॉब दिला सकता है। जी तो मैंने थर्ड ईयर में एक एम्पिरिकल स्टडी की थी, मैं सब रजिस्ट्रार भोपाल के ऑफिस में गई, उनका प्रोसीजर समझा, उसे रिकॉर्ड किया, इंटरव्यू लिया सब रजिस्ट्रार का, और उसे ऑस्ट्रेलिया के टॉरेंट सिस्टम से कंपेयर किया और एक अच्छा पेपर तैयार किया। जब खेतान एंड कंपनी कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आए, दे वर वेरी इंप्रेस्ड व्हेन आई टॉक्ड अबाउट प्रॉपर्टी लॉ, क्योंकि बच्चों को जनरली किड्स इन लॉ स्कूल दे डोंट दे लाइक कंपनीज लॉ, बट जी आई हैड प्रॉपर्टी का थोड़ा सम सा रुझान कम रहता है उसमें। प्रॉपर्टी, हाँ, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में समझना। तो प्रॉपर्टी लॉ का हमने अपना हाई पॉइंट बताया, और खेतान में जॉब मिली रियल एस्टेट टीम में। तो यू नो व्हाट कैन क्लिक वेयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो जो आप इंटरेस्ट से करोगे ना, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा लाइफ में। तो जस्ट बी वेरी श्योर वॉट यू आर डूइंग। और कभी कभी लगता है कि मुंह से कुछ निकल जाता है तो वो भी सच हो जाता है। तो बताती हूँ मैं उसके बारे में कि जो मुंह से निकलता है वो कैसे सच होता है अपनी जी जॉब की, करियर करियर की लाइफ में। फिर खैतान में वील मूव टू द जॉब थिंग नाउ। आई ज्वाइंड इन 2005 मई खैतान एंड कंपनी रियल इसको मैं एस्टेट दो टीम चीजों में। दो पार्ट में आपका स्प्लिट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इससे हाँ सवाल भी आ श्योर। रहा है। आप सिंगापुर में आई पढ़ने 2007 में, 7 से 8 हम लोग साथ में वहां पर हमने पढ़ाई हाँ की, हाँ उससे 2 साल हाँ पहले आपने काम किया, क्योंकि 2005 में आप ग्रेजुएट कर चुकी थी। क्योंकि हाँ आपकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है, आपने लॉ फर्म में भी काम किया है और आपने इनहाउस भी काम किया जहाँ पे आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने जर्नी शुरू किया, आपने बताया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आपका क्लिक किया और खैतान में आपको एंट्री मिली, तो सिंगापुर आने से पहले जो आपने वर्क शुरू किया एज ए यंग लॉयर, कितना स्ट्रेसफुल रहा वो दौर आपके लिए, कितना काम सीखा आपने, कितना एंजॉय किया, और क्यों फिर आपने सोचा कि अब इसको छोड़ के मेरे को मास्टर्स करने की जरूरत है? क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल रहता है बच्चों का कि हम सीधे डायरेक्टली लॉ स्कूल की बात करें कि थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लेने की बात करें, तो ये मैं जानना चाहूंगा पहले पहलू में। और वंस वी हैव डिस्कवर्ड योर सिंगापुर जर्नी, उसके बाद फिर मैं आपके दूसरे पहलू पे आऊंगा जहां आपने इंडिया आके फिर से फर्म और इनहाउस का जो स्विच किया था। ठीक है। तो लॉ फर्म या जॉब तुरंत एलएलबी के बाद क्यों जरूरी था? जैसे मैंने बोला कि मेरे फादर ने लोन दिया हुआ था, तो जी एजुकेशन लोन रीपे करना इम्पोर्टेंट था, तो मनी वाज इम्पोर्टेंट, और एक्सपीरियंस डेफिनेटली। तो कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिलना आल्सो वाज अ बिग थिंग, तो अच्छी सैलरी पे। तो माय फादर वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि एक 23 साल की लड़की को भी इतने पैसे मिल सकते हैं। मतलब तुमने मेहनत की है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, मतलब मेहनत की है। तो जी फिर उसके बाद 1 साल तो जो भी कमाया वो लोन चुकाने में गया, बट फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि रियल एस्टेट इज नॉट एज अ प्रैक्टिस एरिया इज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू परस्यू। जी और बाकी जो बैचमेट्स थे वो आईपीओस की बात करते थे, मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात करते थे, और हम क्या कर रहे थे, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट, या उस टाइम सेकॉन्डमेंट पे आई वॉज सेंट टू फिनिक्स मॉल बन रहा था बॉम्बे में, तो वहां पे बट इट वॉज इंटरेस्टिंग बट वेरी टेक्निकल जॉब, कि दो ट्रांजेक्शन किए और सीख गए कुछ स्टेप्स कैसे होंगे, अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग अच्छा था। फिर उसके बाद उन्होंने हमको इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी डाला, बोला साउथ अफ्रीका जाओ, तो हमारे पास तो उस टाइम तक पासपोर्ट भी नहीं था,
मतलब जी 2005 में पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था कि जरूरत ही जी क्या है। फिर ऑफिस खेतान एंड कंपनी में काम बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में कोल माइंस के एग्रीमेंट्स कर रही हो, चलो एक बार जाके आओ। मैंने कहा नहीं बाबा, अपने बस की नहीं है, अपन तो इंडिया के बाहर आज तक नहीं गए। फिर एक ट्रांजैक्शन के थ्रू AZB क्लिक हुआ और अपॉर्चुनिटी मिली, तो और वो भी आई कैपिटल मार्केट फ्रंट ट्रांजैक्शंस की टीम में, तो आई डिडंट वांट टू मिस द बस। छोटा स्टिंट था खैतान में बट वेरी गुड लर्निंग, बेस बना जी अच्छा। और क्या होता है, आप ना उस चीज की अहमियत उस टाइम नहीं समझते हो, बाद में आपको रियलाइज होता है व्हेन यू थिंक इन द हाइंडसाइट, अरे यार मैं तो इतना अच्छा कर रही थी, अभी क्यों छोड़ दिया था, इतना करना चाहिए था वहां, यू जी शुड स्टे पुट। बट इट्स ओके, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली अपन आगे बढ़ते गए। फिर द बेस्ट एक्सपीरियंस अगेन वर्किंग विद रिया मोदी, एंड मैं उस टाइम YWCA में रहती थी। YWCA के कट ऑफ टाइमिंग था 1 o'clock, आफ्टर जी 1 यू कांट एंटर, उसके बाद सीधे हाँ 6 बजे आओ। जी एंड जिया वर्क्स थ्रू आउट द नाइट, वो शी इज आई मीन ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल दे, और मर्जर्स एंड एक्विजिशन US के ट्रांजेक्शन होते थे तो दे हैड टू डू लेट नाइट आवर्स। तो एक बार 12:30 हो गया, एक ट्रांजेक्शन पे हम जिया के कैबिन में गए, मैंने बोला पार्टनर को अपने की मैम मेरा हॉस्टल बंद हो जाएगा, मुझे मतलब इट वॉज 5 मिनट्स डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस, आई जस्ट प्रॉम्प्टेड हर। तो शी सेड व्हाट ये हैपेंड, आप AZB बॉम्बे में थी उस वक्त, AZB बॉम्बे में, और हाँ खेतान का दफ्तर आपको दिल्ली का था कि बम्बई का था? अच्छा, नहीं बॉम्बे बॉम्बे वो भी बॉम्बे। बॉम्बे, ओके ओके हाँ। तो दिल्ली के इंटर्नशिप्स के बाद लगा दिल्ली थोड़ा सेफ नहीं है, जी, थोड़ा सा और छवि बड़ी खराब रहती है शहर के बारे में कर जी हालांकि आई मीन दिल्ली की लाइफ थोड़ी डिफरेंट थी, बॉम्बे थोड़ा डिफरेंट था। जी जी मुझे दिल्ली भी पसंद है बट ठीक है। तो शादी नहीं हुई थी तो दैट्स व्हाई पापा वाज नॉट वेरी श्योर कि भेजना चाहिए कि नहीं। तो फिर हाँ रात को 12:30 बजे हमने जिया को प्रॉम्प्ट किया कि भाई हॉस्टल बंद हो जाएगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा टुडे यू कैन लीव, नेक्स्ट टाइम आई विल इंश्योर यू आस्क माई परमिशन एट 1 o'clock टू जी लीव। तो मतलब वहाँ खूब मेहनत की, चाहे बट मेहनत मतलब जयंत यहाँ पे एक बात, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो जी एस्पायरिंग लॉयर्स दे शुड अंडरस्टैंड कि जो भी काम मिले लॉ फर्म में करना चाहिए, चाहे वो फॉर्मेटिंग का हो चाहे डॉक्यूमेंट बाइबल बनाने का हो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें FIP भी अप्रूवल मिलता था उस टाइम, वो मिल चुका था, और डॉक्यूमेंट बाइबल एग्जीक्यूशन चल रहा था, डॉक्यूमेंट बाइबल बनाना था फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन टिल साइनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा बाइबल बनाओ और 4 सेट्स बना के प्रिंटर के साथ बैठ के सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले तो मुझे लगा यार ये काम मुझे क्यों दे रहे हैं, लेकिन फिर मैंने वो एक एक डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ के अच्छे से किया, अपने आप को छोटा नहीं समझा कि अरे मैं लॉयर हूँ, मैं खेतान से आई हूँ, मुझे ये काम क्यों दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं आई स्टिल रिमेम्बर द फेस ऑफ द पर्सन जो बाइंडिंग के लिए आए थे, बुक हार्ड बुक बाइंडिंग के लिए, जी उनके साथ बैठ के मैंने 4 सेट बनवाए, फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के ऑफिस में जाके हैंड ओवर किया, एक जिया को दिया। तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। उसके बाद एवरी क्लोजिंग ट्रांजेक्शन आई वॉज मेड अ पार्ट ऑफ, एंड माई सीनियर पार्टनर क्लोजिंग एग्जीक्यूशन में शी नोज द टू डू लिस्ट एंड शी विल डू इट थरली, चाहे वो रबर स्टैम्प लगाने का काम भी हो आई विल इंश्योर दैट दैट इज देयर। बहुत मेहनत की AZB में, बट देन आई टुक अ ट्रांसफर टू बैंगलोर ऑफिस इन 2006, AZB बैंगलोर, बिकॉज बैंगलोर पार्टनर मिस्टर मुरली अनंत सिवन हैड रिक्रूटेड मी। तो बैंगलोर आ गए, थोड़ी लाइफ और सेटल हो गई यहाँ पे आके, बट बहुत मेहनत की, सैटरडे संडे भी, उस टाइम IPOs वर ऑन बूम, सो आई एम पार्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट करते करते, ड्यू डिलीजेंस करते करते, खूब मेहनत की। बट माई फादर वॉज नॉट हैप्पी विद द वे आई वॉज गोइंग कि क्या मतलब क्या कर रहे हो, खूब आई विल बी ऑनेस्ट खूब पैसा भी कमाया, लोन तो ऑलरेडी खत्म हो गया था। उसके बाद जयंत आपका NYU एट NUS में हुआ था, इवन जी आई गॉट एडमिशन इन देयर बट आई नेवर जी गॉट एनी स्कॉलरशिप, और वो जी फीस मुझे भी नहीं ज्यादा मिली थी मैडम, मैं उसकी। भी लोन लेके गया था और मुझे भी था, मैं पढ़ा था बाद में। तो मैंने कहा अब मैं एडुकेशन लोन तो नहीं लूंगी, अपनी सेविंग्स जो है उसी से भले नॉर्मल LLM कर लूंगी सिंगापुर जी से। तो नॉर्मल सिंगल डिग्री LLM में जब एडमिशन हुआ तो जिया को जाके पूछा कि भाई आई वांट टू टेक सबैटिकल एंड आई वांट टू टेक इट नाउ, क्योंकि फिर पापा कह रहे हैं शादी के लिए, तो शादी के बाद तो ये सब हो नहीं पाएगा। तो जिया ने शी वॉज वेरी काइंड, शी सॉ द हार्ड वर्क दैट वॉज आई वॉज डूइंग, एंड ऑनेस्टली आई डिडंट टेक अ पेनी फ्रॉम माई फादर, आई डिडंट टेक अ पेनी ऑफ लोन, थैंक्स टू जिया, शी फंडेड माई एडुकेशन एक्चुअली, शी गेव मी अ गुड अरे बोनस। पूरी सिंगापुर ट्रिप जयंत वॉज फंडेड बाई माई हार्ड वर्क इन लॉ फर्म। फिर गैप लिया एंड आई वॉज सपोज टू ज्वाइन AZB बैक,
दे आस्क्ड मी टू ज्वाइन बैंगलोर ऑफिस एंड एट दैट टाइम माई फादर वॉज नॉट कीपिंग वेल. वो रिटायर हुए थे और उनको हार्ट प्रॉब्लम थी कुछ. और मेरे दोनों भाई बहन यूएस में थे. सिस्टर वॉज मैरिड, ब्रदर ऑल्सो हैड अ जॉब विच ही कुडंट लीव. देन माई फादर, आई मीन मतलब मेरी भी मॉरल ड्यूटी थी कि अब मैं भोपाल में रहूँ. देन आई टुक अ ब्रेक. आई यूज टू यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा रिसर्च पेपर का काम और पापा के साथ रहना. उनको चेन्नई अपोलो में ले गए तो वो एक थोड़ा ग्रैप हो गया. एंड आई सेड नो टू जिया दैट आई कांट गो टू बैंगलोर बिकॉज बैंगलोर भोपाल उस टाइम फ्लाइट भी नहीं थी कि डायरेक्ट फ्लाइट हो तो आप चले भी जाओ. तो थोड़ा मुश्किल हुआ बट बहुत रिग्रेट हुआ कि वापस एजेड भी क्यों नहीं ज्वाइन किया आफ्टर एनयूएस. एनयूएस डेज तो यू रिमेम्बर वर लाइक इट वेंट लाइक दिस, 1 ईयर जस्ट फ्लू अवे. जी, वो मैं बट एनयूएस के दिन पे आ जाता हूँ, फिर आपकी जर्नी पे वापस आऊंगा, क्योंकि जो बीच का आपने एक साल हाँ लिया और आपने बताया इतना बढ़िया आपने मेहनत की, और जो अटेंशन टू डिटेल होता है जहाँ पे आपके सीनियर पार्टनर ने बताया कि दैट शी इज द राइट पर्सन फॉर क्लोजिंग अ डील, क्योंकि रबर स्टैम्प जैसी तक बेसिक चीज जो होती है तो कई लोग मिस कर जाते हैं, अगर स्टैम्प नहीं है कागज में उसकी कोई वर्थ लिटरली जीरो हो वैल्यू जाती नहीं है। है. तो इतना तो हम भी समझते हैं, चाहे मैं कचहरी का ही वकील हूँ, कितनी चीजें मैं भी समझ पाता हूँ जब हम क्लाइंट कुछ गड़बड़ करता है, क्योंकि कागज एंड में कचहरी ही आते हैं, चाहे जितना बड़ा ट्रांजेक्शन हो, करेक्ट पर अगर आपको करेक्ट डिसाइड करना हो सारी चीजें अगर मिसिंग होती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने जो मेहनत की, आपने वहां पे जो अटेंशन डिटेल दिखाया वो आपके काम आया, और कहीं ना कहीं जिया मोदी जो है आपसे प्रभावित हुई और उन्होंने आपको जो बोनस दिया उससे आप अपनी एजुकेशन फंड कर पाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मास्टर्स आपने किया वो आपने क्यों करने की सोची, पहला तो सवाल ये है। दूसरा, जो सीखा आपने वहां पे वो आपकी इंडियन एजुकेशन से आपने कितना फर्क पाया वहां पे, क्योंकि तो कई बार यंग लोग का ये सवाल होता है, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हों या वर्किंग लॉयर्स हों या अंडर ग्रेजुएट्स में हों, कि हमें क्या क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ एक स्टडी मेथोलॉजी मिलेगी अगर हम विदेश जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो इस समय थोड़ा सा हमें थोड़ा सा रोशन डाल। ऑनेस्टली बोलूँ अगर जैन, तो मुझे लग रहा था कि 1 साल एनयूएस का ब्रेक वॉज अ डिप इन माई प्रोफेशनल लाइफ. अगर मैं 1 साल एजेड भी में निकालती और फिर 2 साल और मेहनत करती तो सीनियर एसोसिएट पार्टनर बनने में बन जाते. मेहनत तो कर ही रहते लेकिन सबकी एस्पिरेशन सिर्फ पार्टनर बनना ही नहीं होती. तो वो अगेन आई विल थैंक माई फादर फॉर दैट. उन्होंने देखा था कुछ लोगों का लाइफ स्पैन इन लॉ फर्म जिनसे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था. दे वर ऑल अनमैरिड इन देयर लेट 40s. सो ही वॉज लाइक हर चीज की एक एज होती है. आपको हर चीज अपनी निर्धारित उम्र में कर लेनी चाहिए. और मैंने कहा नहीं पापा आप देखो, मैं तो उनको साफ बोलती थी कि देखिए आपने एक बेटी का कन्यादान कर दिया, एक बेटे की बारात हो जाएगी, मैं आपके साथ रहूंगी जिंदगी भर. मुझे ना शादी करनी है, मुझे यही जॉब करना है, मुझे अच्छा लग रहा है. तो उन्होंने एक बात कही जो दिल में लग गई कि भाई हम अभी हैं, जब हम नहीं होंगे तब तुम क्या करोगे. यू हैव अ लॉन्ग लाइफ टू गो. तो यू नीड टू हैव अ लाइफ पार्टनर, यू नीड टू हैव योर ओन फैमिली. तब रियलाइज हुआ कि मनी एंड जॉब इज नॉट एवरीथिंग. मतलब फैमिली फ्रेंड सब कुछ बहुत जरूरी है, बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है. जैसे हम लॉ स्कूल में मैंने बोला ना बहुत कॉम्पिटिशन था कि अमरचंद या खेतान या कहीं अच्छी जगह जॉब चाहिए. सब आके यही बात करते थे कि जॉब जॉब जॉब. किसी ने ये नहीं बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत जरूरी है, हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. तो ये चीजें दिमाग में घर कर गई थी पापा के इंसिस्टेंस कि तुमने मेहनत की है, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल के तुम गृहस्थ आश्रम में भी जाना है एक दिन. तो जो है उसको फॉलो करो. तो लॉ फर्म में मेहनत करी खूब बट एट द सेम टाइम यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू. तो आई एम सॉरी जयंता, आई मिस द क्वेश्चन, आई एम सॉरी. जी, कि वो क्यों, क्या चीज ने आपको प्रॉम्प्ट किया सिंगापुर जाके पढ़ाई करने का, क्योंकि आपने बोला कि आपके अच्छा करियर में वो करेक्ट. डिप रहा, लेकिन हाँ 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 आप पार्ट टाइम बन जाते, लेकिन करेक्ट आपके करेक्ट फादर ने फिर आपको सॉरी. सारी बातें बताई। जी तो जब पापा ने इंसिस्ट किया कि तुम ये कंटिन्यू करोगी ना तो यू इट विल बिकम मतलब आदत बन जाएगी तुम्हारी कि दिन भर काम करना, 24 घंटे काम करना, शादी करो. मैंने कहा मैं शादी के लिए तो अभी तैयार नहीं हूँ, तो मैं एलएलएम के लिए मतलब पढ़ाई खत्म कर लेती हूँ. एलएलएम हमेशा मतलब मास्टर्स डिग्री एक थी माइंड में कि जैसे वो होनी एमबीबीएस चाहिए। एमडी बैठ जाता है ना दिमाग में, वैसे जी एलएलबी जी एलएलएम जी बैठा हुआ था. और ऑनेस्टली एक पीएचडी भी टू डू लिस्ट में है अभी. जी डॉक्टर तो चाहिए नहीं आके आ गया, पता नहीं वो कब होगा जैन, बट डॉक्टर चाहिए. नहीं, जरूर होगा उसके लिए एकदम एलएलएम चाहिए. जी, हामी उसके लिए अलग चाहिए। सच में उसके लिए एलएलएम चाहिए था. और एलएलएम इंडिया में 2 साल का था, सिंगापुर जी, में 1 साल का था. एक साल का। और मैंने लंदन में भी अप्लाई किया, यूएस में भी ट्राई किया, बट सब जगह मनी वाज अ कंसिडरेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेहनत बहुत से हाई आपको एडमिशन एजुकेशन फीस मिल भी होती है वहां जाता, पे। बहुत जी हाई. हाँ तो सिंगापुर अपने बजट में फिक्स हो रहा था, घर के पास भी था कि जी मतलब पेरेंट्स भी आना तीन चाहें चार तो आ घंटे की सकते हैं. फ्लाइट है, आप जा सकते हो उनके। जी, पोर्टेबल हाँ अफोर्डेबल भी था. भी है। तो एनवायू एनयूएस ड्रॉप करने में भी मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन उस टाइम
लास्ट मिनट मैंने जिया को इन्फॉर्म किया था कि जून में शायद सेशन स्टार्ट हो रहा था एनवाईयू एट जी, एनयूएस का, मई में शुरू हो गया था हम लोग का। जी मई में शुरू हो गया था, और मैं मतलब जून मई में तो उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया कि ना आई एम कोर मेंबर ऑफ कैपिटल मार्केट्स टीम. तो वो कैपिटल मार्केट सुन के ही मुझे लगा कि नहीं भैया अभी तो निकल लो, कैपिटल मार्केट नहीं करना है अभी. तो जी एडमिशन मिला, फिर जिया ने कहा कि तुम यू कांट गो इमीडिएटली इन मे, यू हैव टू हैंड ओवर. मैंने जी कहा ठीक है फिर एनवाईयू नहीं होगा तो एनयूएस तो कर लेते हैं. शी अग्रीड रेडीली, शी अग्रीड दैट नेहा मैंने भी हार्वर्ड से एलएलएम किया है, मुझे एलएलएम की वैल्यू पता है, यू गो. माय फादर ऑल्सो सेड कि आने के बाद तो शादी करना ही है तो अभी जो करना है कर लो. एंड फर्स्ट इंडिया के बाहर की ट्रिप, अकेले सिंगापुर जाना, और वहाँ की लाइफ थोड़ी डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट. जी एक फ्रेंड था वहाँ पे जो जूनियर था मेरा लॉ स्कूल का, उसने हेल्प किया काफी. एक साल निकल गया कैसे, इनफैक्ट कोर्सेस सेलेक्ट करना, एग्जाम्स लिखना, खाने की जद्दोजहद करना वहां पे. मतलब जी एक इंडियन स्टॉल था जहाँ हाँ, पे वो हम खुल दाल गया था चावल बीच खा में के लगे। जी, सर्वाइव जो आंटी का ढाबा। जी आंटी का ढाबा, तो वो मेहनत में. और फिर थोड़े जब आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उसी पैसे में आपको खाना भी करना है, पढ़ाई भी करना है, हॉस्टल का रेंट भी देना है, तो यू स्टार्ट बिकम स्टिंजी. एंड देन लॉट ऑफ स्टडीज ऑल्सो देयर, यू हैव, यू आर मिसिंग योर होम, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो अगर करना है तो एलएलएम जाना चाहिए. जो एक्सपोजर मुझे वहां मिला सिंगापुर में, आई डोंट थिंक सो वो इंडिया में मैं जो भी डिग्री ले लेती वो एक्सपोजर नहीं मिलता. ग्लोबली आई हैव मेड फ्रेंड्स, रिसर्च टूल्स बहुत एनहेंस हो जाते हैं. मतलब इंडिया में आप क्या मनुपत्र और उन सब से रिस्ट्रिक्टेड थे, बट वहां जाने के बाद आपको कितने सारे रिसर्च टूल्स मिले, वाइडर होराइजन हो जाता है बेसिकली आपका. तो जी एक्सपोजर की बात है, इट विल एड ऑन टू योर पर्सनैलिटी. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, एवरीबडी शुड, हु कैन अफोर्ड इट एंड हु एस्पायर्स टू डू इट शुड डू इट. ऐसा है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, लाइक गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ. आई एम श्योर यू विल ऑल्सो से दैट. मैं तो पहली अच्छे मर्तबा दिन. जिंदगी में हॉस्टल में रुका था, क्योंकि आई वाज आल्सो डे स्कॉलर, तो हाँ बड़ा अच्छा लगा। और हाँ वहीं पे देखिए आपके, हमारी दोस्ती भी, इतने लोगों से जान पहचान बढ़ी। तो ये मैं सब बच्चों से ही बहुत कहता हूँ कि जरूर कीजिए। और आपने बहुत अच्छी बात रखी कि वाकई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं, तो किसी पे भी बर्डन बन के मत जाइए, बहुत जरूरी है। जैसे मैं तो एजुकेशन लोन लेके गया था और मैं उसको तारा भी बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, और बड़ी मुश्किल होती है कि आपने भोपाल के टाइम पे अपने लोन लिया, तो आपकी जब जॉब लगी आपने किया, जब मेरी जॉब लगी दुबई में, तो मैंने उसको रिपे किया। तो जो रिपेमेंट का वो होता है, इनफैक्ट आज मैंने सुबह लिंक्डइन पे पोस्ट भी अपनी डाली थी यही पे, क्योंकि तो हमारी एक जो बैचमेट थी एनवाईयू एनयूएस में, शी ऑलवेज यू टेल मी, यू नो जैन, दैट यू नो यू आर अ मिलियनेयर इन डेट। तो उसके चलते चलते आज मैंने अपने एक चुटकुला डाला है कि अगर एक एम्प्लॉयर लॉयर से पूछे कि आपको हम, भाई हम क्यों रखें जॉब पे, आप निकल जाएंगे, बोलते हैं यू डोंट वरी, आई विल नॉट रन अराउंड, बिकॉज माय लॉ स्कूल एजुकेशन इज सो एक्सपेंसिव, इट हैज मेड मी अ मिलियनेयर बट इन डेट। इन तो डेट, चाहके आप चाहके भी नहीं भाग सकते। ये थोड़ा सा कटाक्ष है करेक्ट हमारे करेक्ट ये जो करेक्ट. शिक्षा प्रणाली पे है, चाहे वो हमारे देश की हो विदेश की हो, लेकिन शिक्षा जरूरी है। शिक्षा शिक्षा आपको वाइज भी बनाती है थोड़ा सा वर्ल्डली, और एक एक इनसाइट भी देती है कई चीजों को लेकर, तो मैं समझता हूँ अच्छा है। तो इसके बाद मैं आपके अगले पहलू पे आता हूँ नेहा, कि आपने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आप बताइए, आप इंडिया वापस आई, उसके बाद आपने कुछ टाइम एक फर्म में काम करके फिर आपने इनहाउस शिफ्ट किया, उस जर्नी पे आ जाते हैं। हाँ, तो जब जैसे मैंने बताया कि वापस आए तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और फिर आई टुक अ बैक सीट. इट वाज अ हार्ड डिसीजन बट ठीक है, एटलीस्ट दैट मच, जब जरूरत थी पापा को तब मैं उनके साथ खड़ी रही. और उसके बाद लकीली एक हैदराबाद में एक स्मॉल टाइम लॉ फर्म थी, टेम्पस लॉ एसोसिएट्स, उनके पास ओपनिंग थी, बट दैट टाइम दे वर हैंडलिंग सत्यम के केसेस. तो लकीली गुड वर्क आई गॉट, तो वहां मैं शॉर्ट टर्म के लिए रही 3-4 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद शादी, अरेंज मैरिज थी हमारी, तो शादी तय हो गई बॉम्बे में. अनुपम माई हस्बैंड इज फ्रॉम बॉम्बे, ही वॉज वर्किंग देयर, तो उन्होंने सारे स्ट्रिंग्स लगा दिए कि इनको बॉम्बे लाना है कैसे भी जॉब जॉब के लिए. तो नोमियुरा में इंटरव्यू दिया एज एन, और फिर ये भी लगा कि लॉ फर्म में यू हैव टू गिव 24/7, यू आर ऑलवेज वर्किंग, तो नाउ यू हैव टू बैलेंस योर होम ऑल्सो बिकॉज यू आर गोइंग टू अ न्यू फैमिली, यू कैंट बी वर्किंग ऑल द टाइम. तो फिर बैंक में जॉब मिला, कोटक बैंक में, एंड हमारी जर्नी फ्रॉम 2009 इन टू दिस नीश प्रैक्टिस ऑफ एस्टेट प्लानिंग स्टार्टेड. तो आई वॉज इन बैंक बट आई वॉज वर्क पार्ट ऑफ द वेल्थ प्लानिंग टीम, तो विल्स फैमिली लॉ बेसिकली, प्रैक्टिस एरिया अंडर फैमिली लॉ. और अजयंत आपको पता ही होगा बहुत कम लॉयर्स हैं जो ये प्रैक्टिस एरिया पिकअप करते हैं, क्योंकि लॉ स्कूल में फैमिली लॉ कोई भी नहीं पढ़ता. इंडियन इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, जी सिलेबस में था,
मैंने तीन जॉइंट प्रोजेक्ट किया था, इम्पेरिकल स्टडी, वो एक्ट पढ़ा ही नहीं, इम्पेरिकल स्टडी करके प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। तो और अब वो एक्ट के आप सेक्शंस पूछ सकते हो मुझसे। तो यू नेवर नो वेयर यू लैंड अप। बट तो था जब कोटक बैंक ज्वाइन किया और HNIs के लिए ये पीस और सर्विस के बारे में जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर HNIs, फॉर जयंत यू एंड मी। लाइक एक बार हमने एसेट्स अक्वायर कर लिए तो सिर्फ कमाते नहीं रहना है, उसको कैसे पास ऑन करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम मेहनत करते रहते हैं बट ये नहीं सोचते कि हमारे स्पाउस को पता भी है कि हम मनी जितना अर्न कर रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जनरली इंडियन हाउस होल्ड में अगर हाउसवाइफ वुमेन है, दे डोंट इवन इंक्वायर कि भाई इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया, अगर बीमार हुए कभी तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें। और खासकर बिजनेसेस में तो ऐसा होता है, जो आप सही बात कह रही हैं कि बिजनेसेस में, ये सवाल मैं आपसे अभी रख लेता हूँ कि आप वेल्थ मैनेजमेंट की बात हम कर ही रहे हैं इसमें, कि कई बार ऐसा दिखाता है कि जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो पब्लिक लिमिटेड हो, वहां पे अगर हाउसवाइफ भी होंगी या आजकल अगर आप होम मेकर्स टर्म यूज करते हैं वो भी इस्तेमाल करें, तो जो गृहिणियां होती हैं हमारे घर में, वो बताओ डायरेक्टर तो होती हैं पर उनको पता नहीं था कंपनी में चल क्या। मतलब आयरनी ऑफ लाइफ है ये। और इवन हमेशा लड़कियां पता नहीं बैक सीट क्यों ले लेती हैं फाइनेंस के मामले में, मुझे समझ में नहीं आता। जी आपके पेरेंट्स को या आपको खुद से इंटरेस्ट लेके बैंक अकाउंट में क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होते हैं, थोड़ी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं हमने कि जहाँ अचानक हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो बंदी अगर खुद वर्किंग भी हो, इंजीनियरिंग भी की हुई हो, उनको पता ही नहीं होता है कि भाई अब कैसे मुझे इनके पैसे मिलेंगे, PF कैसे होगा। जी बहुत मतलब अविद्या बहुत है, मतलब इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। सो वी नीड टू एडुकेट पीपल फॉर दिस। एंड फीमेल्स को स्पेशली, दे फ्रॉम चाइल्डहुड दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सेविंग मनी, दे नो कि घर में कैसे बचत करना है। बट जी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल हैं, उसी आप लिमिटेड इनकम में कैसे सेव कर सकते हो। जी और अब तो 2005 में अपना हिंदू लॉ भी अमेंड हो गया था, PHUF में गर्ल्स को, डॉटर्स को इंक्लूड करने लग जी गए, तो जागरूकता होनी चाहिए, बहुत और अब जरूरी तो है इस बराबर बारे का में। हक भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गई कि बराबर का हक लड़के लड़की है, का हक बराबर है। वो लोगों ने इसको उसका मैं भी। आपसे स्पष्टीकरण और मांगूंगा, लेकिन तुरंत आपके हाँ पहले वो इनहाउस की जर्नी पे आते हैं कि आपने 3 से 4 कंपनियों हाँ में काम हाँ किया है, तो वो जो तो आप हाँ तीन चार फिर चरण रहे आपके श्योर, जीवन के, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, फिर वेल्थ मैनेजमेंट, फैमिली प्लानिंग और हाउ कैन बी एजुकेट आर ओन पीपल ठीक उस है पर आएंगे। जी श्योर। तो 2009 में शादी हुई और उसके 2 महीने पहले ही हमने कोटक बैंक ज्वाइन किया और ये प्रैक्टिस शुरू की। जी उसके बाद 2 साल जब ट्रस्टी कंपनी, इट वाज अ ट्रस्टी कंपनी, आई विल कम टू द डिटेल्स ऑफ इट। ट्रस्टी कंपनी मतलब वो फैमिली प्लानिंग में, मतलब जी एस्टेट प्लानिंग का ही हिस्सा था। तो कोटक में 2 साल काम करने के बाद ILNFS में एक ट्रस्ट कंपनी थी जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड थी, तो जी ट्रस्टी कंपनी के रोल्स ज्यादा बड़े थे उसमें। उस टाइम AIF रेगुलेशन भी आया 2012 में, विच वॉज अगेन अंडर सेबी सुपरविजन। तो जब मैंने कोटक छोड़ा, हार्डकोर फैमिली लॉ वाला पोर्शन छोड़ के आई जम्प्ड इनटू डेट, डिबेंचर ट्रस्टी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रस्टी ट्रांजैक्शन, प्रॉपर बैंक लेंडिंग एंड बोरोइंग वाले। तो कॉर्पोरेट वाला फील फिर से कि डील विथ AZB, अमरचंद, खेतान, ट्रांजैक्शन ड्राफ्टिंग वो करते थे, बट हम ट्रस्टी कंपनी थे तो सिक्योरिटी ट्रस्टी बनते थे। तो पूरा हार्डकोर, यू नो, सब रजिस्ट्रार के साथ डील करना और डॉक्यूमेंटेशन, क्लोजिंग करना, डिसबर्समेंट, इट वाज पार्ट ऑफ ILNFS द कॉग्लोमरेट। बट इन 2015 दे सोल्ड दिस कंपनी ऑफ, द ट्रस्टी कंपनी, टू विस्त्रा, MNC को सेल कर दिया था उन्होंने अपना आर्म। तो नाउ इट्स अ ग्लोबल ट्रस्टी कंपनी एंड आई वर्क देयर फॉर अ लॉन्ग 5.5 ईयर्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मीन स्टडी रहना इन अ कॉर्पोरेट जॉब एड वैल्यू नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट योर प्रोफाइल। एंड काफी रिस्पेक्टेबल जॉब था, अच्छा काम करने को मिला, सीखने को मिला। AIF रेगुलेशंस में भी हमने बहुत रिसर्च की। ILNFS ट्रस्ट के सबसे ज्यादा AIF रजिस्टर्ड थे, दे वर द ट्रस्टी फॉर दैट AIF ट्रस्ट। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बट एट द फैग एंड ऑफ व्हेन द कंपनी वाज गेटिंग सोल्ड टू विस्त्रा, दे गेव स्पेशलाइजेशन टू एवरीबडी एंड दे गेव मी फैमिली ऑफिस। बिकॉज जी अगेन माय कोर वैल्यू वही थी कि सक्सेशन प्लानिंग के बारे में, एंड इट वाज क्लोज टू माय हार्ट। मतलब जब भी वो काम आता था किसी क्लाइंट का, मैं थोड़ा कंपैशनेटली करती थी, टेक्निकली जी कम, कंपैशनेटली ज्यादा, कि सर आप सिर्फ विल मत करो, आप ट्रस्ट भी बना लो, सर आप गिफ्ट कर दो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो दैट
थोड़ा पर्सनल टच आता था जो मेरे शायद बॉसेस ने वहां पे नोटिस किया होगा, एंड दे सेड दैट यू हैंडल दिस. व्हाइल इन दैट प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ट्रस्ट एंड चेंज ऑफ ट्रस्टी, इंडिया में जैन थोड़ी ट्रस्टी कंपनीज हैं, इफ आई कैन नेम देम, जी कोटक ट्रस्टी, IIFL ट्रस्टी, ILNFS ट्रस्ट कंपनी, यूनिवर्सल, एमिकॉर्प, लाइक आई कैन नेम देम ऑन माई फिंगर्स. कॉर्पोरेट ट्रस्टीज फॉर प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, दिस इज नॉट चैरिटेबल ट्रस्ट और टेम्पल ट्रस्ट. तो एक ट्रांजेक्शन में आई इंटरेक्टेड विद IIFL, चेंज ऑफ ट्रस्टी हो रहा था, एंड अगेन कोचिंग बोल दो या क्या, बट दे सेड व्हाई डोंट यू जॉइन अस. तो अगेन IIFL, फ्रॉम ILNFS ट्रस्ट कंपनी टू IIFL वेल्थ. IIFL वेल्थ इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन वेल्थ मैनेजमेंट, एंड दे आर अगेन अ ट्रस्टी कंपनी और बहुत बहुत प्रोफेशनली रन कंपनी है. उसमें दे आस्क्ड मी टू सेट अप मिड ऑफिस. तो पहले उनकी कंपनी में क्या था कि फ्रंट डेस्क थी जो मार्केटिंग टीम थी और ऑपरेशंस टीम थी, सो देयर वाज नो यू नो बाउंड्री कि लीगल कोई देख ही नहीं रहा था. तो दे सेड यू कम एंड सेट अप मिड ऑफिस फॉर अस. तो हम वहां पे आई जॉइन, आई सेट अप मिड ऑफिस, आई रिक्रूटेड अ टीम ऑफ लॉयर्स, एंड हमने फिर सेग्रीगेट किया कि भाई मिड ऑफिस कैसे दोनों चीजों को मॉनिटर करेगा, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग भी और ऑपरेशनली द ट्रस्ट शुड फंक्शन वेल. तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, एंड दिस वाज ऑल इन बॉम्बे. बट इन 2017 माय हस्बैंड टुक अ जॉब इन बैंगलोर, एंड आई हैड टू लीव IIFL बॉम्बे एंड कम टू बैंगलोर. सो दे गेव मी अ ट्रांसफर, बट वो चाहते थे कि ये डेस्क हेड ऑफिस से काम करे बॉम्बे से. तो उस टाइम थोड़ा मतलब वॉट एवर, एंड लकीली सेंट्रल में अपॉर्चुनिटी थी, दे वर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अ एस्टेट प्लानिंग लॉयर बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. तो फिर हम यहाँ आ गए, और सेंट्रम 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे भी. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ, और अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ दिस इंडियन कंपनी, आई हैव ऑलवेज वर्क इन इंडियन कंपनी, कोटक, ILNFS, IIFL एंड नाउ सेंट्रम. और अभी सेंट्रम को बैंकिंग लाइसेंस भी RBI का अप्रूवल मिला है, गुड न्यूज. तो एज द कंपनी इज ग्रोइंग, आई एम ऑल्सो ग्रोइंग. बट जो जो बात 10-15 साल पहले पापा ने कही थी कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलो, वो बेस्ट है यहाँ पे. मतलब आई शुड थैंक द CEO एंड माई बॉसेस हियर. आई डू अ लॉट ऑफ ड्राफ्टिंग, मतलब विल्स का काम बहुत है, एडवाइजरी का काम बहुत है, बट मेरे बॉस ने मुझे एक बार बोला, मैंने कहा मैम ये कल करना है. आई हैव अ लेडी बॉस हु इज द बेस्ट, लाइक जनरली लेडी बॉसेस आर टफ, बट आई हैव टू थैंक माई बॉस अर्पिता विनय, शी इज वन ऑफ द बेस्ट लेडीज टू वर्क विथ, वेरी प्रोफेशनल, और मतलब पर्सनल लेवल पे भी रैपो अच्छी है, एंड इट्स अ ह्यूमन प्लेस टू वर्क, टू बी पुट टू पुट इट वेरी सक्सिंक्टली. उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैम ये डॉक्यूमेंटेशन मुझसे हो नहीं पाएगा आज, क्योंकि मेरे पास ये करने को है. बोले नहीं हाँ ये विली है ना, नोबडी इज डाइंग टुमारो, टेक इट इजी. तो मतलब इतनी बड़ी बात कह देना और कुछ नहीं चाहिए, एंड तो एक सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू हैव 2 किड्स टू मैनेज, एंड यू हैव इन लॉज स्टेइंग विद यू, ओल्ड इन लॉज, एंड वर्क फ्रॉम होम, यू नो घर का काम भी करना है. तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है, टच वुड. एंड एज आई सेड, मतलब मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि नहीं, मैं इस एडवाइस करियर कहूंगा में मेरा सब एक ग्रो. एक हाँ एक थोड़ा सा छोटा हाँ सा मैं आपको पॉज करके सवाल हाँ करूंगा कि आप बंबई और बेंगलोर के बीच काफी ऑसिलेट करती रही, मैंने देखा अपने करियर में। क्योंकि जब आप बंबई में थी तो सॉरी बेंगलोर में थी तो आपकी शादी बंबई में हो गई, जब मुंबई हुआ तो फिर बेंगलोर आना पड़ा। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि एक कहते हैं कि जब जब आप जगह बदलते हैं तो हवा पानी बदलता है, तो आपने कैसे एडजस्ट किया अपने आप को फ्रॉम यू नो वन बीइंग अ गर्ल फ्रॉम भोपाल, देन यू नो गोइंग टू बॉम्बे, देन गोइंग टू बैंगलोर, देन गोइंग टू सिंगापुर, देन गोइंग टू बॉम्बे एंड देन गोइंग टू बैंगलोर। तो आपने काफी काफी भ्रमण कर लिया है, तो बॉम्बे और बैंगलोर में से आपको ज्यादा बेस्ट शहर कौन सा लगा काम करने का, इफ आई मे पुट इट दैट वे? क्योंकि वो मैं कोई पर्सनल फेवरेट नहीं पूछ रहा, पर हर जगह का एक वर्क कल्चर, एक टेम्परमेंट होता है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक वो, और दूसरा क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक वर्किंग मदर हैं, कितना मुश्किल है, कितना आसान होता है चीजों को जगल कर पाना, जैसे आपने अपने और इसके बाद में मेंटर मेंटरशिप के भी रोल पे आऊंगा कि आपके पूरे थ्रू आउट करियर में कितना अहम आपको लगता है, व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, द रोल ऑफ अ गुड मेंटर, एंड नाउ दैट यू आर हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर वाइस प्रेसिडेंट, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट योर सेल्फ टू बी अ गुड मेंटर टू योर यू नो टीम मेट्स एंड टू योर स्टाफ? सो टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जगलिंग बिटवीन प्लेसेस, आई थिंक आई शुड से दैट आई एम वेरी अडेप्टेबल. नहीं बट ऑनेस्टली आई नेवर लाइक बॉम्बे बिकॉज ऑफ जी इट्स वेदर. ऑनेस्ट आई मीन वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू,
और बॉम्बे में ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था, आप लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे हो, फिर ट्रैफिक जाम में फंस के आ रहे हो. जी प्रोफेशनली देर ग्रोथ तो है अनडाउटेडली, बट बंदे को जहाँ काम करना होगा ना वो कहीं से भी कर सकता है. करेक्ट अभी कोविड ने तो ये प्रूव भी कर दिया कि आप पहले जी बोलते थे ऑफिस जाके ही काम करोगे, बट घर से सब लोग ज्यादा काम कर रहे हैं. एब्सोल्युटली तो मैं सिंगापुर में जब रह के वापस बॉम्बे आई थी, और जब बॉम्बे में शादी हुई थी, मतलब मैं सोच के छोड़ी थी बॉम्बे कि मैं जब पहली बार बॉम्बे छोड़ी थी कि कभी वापस नहीं जाऊंगी, बट किस्मत देखो कि शादी यही होनी थी. और बोरीवली से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक का सफर होता था रोज 25 किलोमीटर की ड्राइव करके जाना. तो इनिशियली तो हम बस थी, बस से जाते थे, फिर लोकल ट्रेन से भी आना जाना किया, बारिश में भी अटके. तो ऑनेस्टली सिंगापुर में रहने के बाद मुझे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है ना, वहाँ पे आप एसी बस में, एसी ट्रेन में घूम कॉन्सेप्ट रहे हो. हाँ, है आई यूज टू फील लाइक गार्बेज ऑनेस्टली. जब लोकल ट्रेन में मैं धक्के खा के, और शेयर्ड रिक्शा, जब रिक्शे वाले बॉम्बे में मानते नहीं है ना, तो मतलब यू फील लाइक कि क्या, मतलब वैल्यू ही नहीं है कोई आपकी. तो और जी हमारी काफी लड़ाई भी होती थी घर पे कि ये क्या है, मुझे नहीं करना ये सब, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ. बट दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ यू नो एब्सोल्युटली, लेकिन एज कम्पेयर टू बॉम्बे, बैंगलोर इज अगेन अ ब्लेसिंग बिकॉज डिस्टेंसेस कम है. आप अपना घर, किराए थोड़े अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू बॉम्बे, तो आप घर अपने ऑफिस के पास ले सकते हो, अपनी गाड़ी से आना जाना कर सकते हो, जी पर तो ट्रैफिक दोनों जगह के थोड़ी लोग बहुत. शिकायत करते हैं कि बॉम्बे और हाँ बेंगलोर का ट्रैफिक बराबर ही रेंगता है, और बेंगलोर के करेक्ट रेलवे चुटकुला भी है ना कि बाय द टाइम यू करेक्ट. रीच फ्रॉम योर होम टू योर ऑफिस तब तक आप एक आईपीओ लॉन्च कर चुके होंगे गॉड, बट जी थैंकफुली आई एम वेरी क्लोज इन द हार्ट ऑफ द सिटी. ऐसा नहीं है जी कि मैं व्हाइट फील्ड में रहती हूँ, और ये तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रेंट अफोर्डेबल है तो हमने ऑफिस के पास चूज किया, और बच्चे भी स्कूल के पास. तो है, आई एम नॉट डिनाइंग कि अगर आप अपना खुद का घर लोगे कहीं आउटस्कर्ट्स में और ऑफिस आपका सेंट्रल बैंगलोर में होगा, तो फिर तो आपकी बैंड बजेगी. इनफैक्ट एयरपोर्ट जाना इज अ नाइटमेयर. मतलब आई हेट ट्रैवलिंग बाय एयर इन बैंगलोर. मुझे क्योंकि लगता है मैं बस से तकरीबन चली घंटे जाऊं. भर का सफर है जी ये हाँ, एयरपोर्ट मतलब इट इज मेड आके इन चेन्नई, बैंगलोर एयरपोर्ट इज इन चेन्नई. तो खैर, जो भी है, अप्स एंड डाउन सब अपनी जगह के होते हैं. दूसरी बात, मैनेजिंग पर्सनल लाइफ, किड्स एंड ऑफिस, यस चैलेंज तो था, बट जब चैलेंज ही नहीं होगा लाइफ में तो फिर मजा ही क्या है. तो जी 2011 में माय डॉटर वाज बॉर्न, 2015 आया माय सन. तो अभी बेटी 10 साल की हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है. पहले डर लगता था कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आई थिंक लाइफ हैज चेंज्ड एज अ मदर, लाइफ चेंजेस. बट कोई कोई सिखाता नहीं है, क्या कोई स्कूल नहीं होता मदर बनाने के लिए, यू जी ऑटोमेटिकली गेट दैट. बट थैंकफुली विद द सपोर्ट ऑफ माई इन लॉज आई कुड कंटिन्यू टू वर्क. माई मदर इन लॉ इज वेरी सपोर्टिव, एंड माई फादर इन लॉ इक्वली हेल्प्स इन वॉट एवर यू नो पॉसिबल वेज. एंड अनुपम इज ऑल्सो, आई मीन ही इज नॉट लाइक, इज वेरी सपोर्टिव. मतलब उन्होंने हमेशा मेरे जॉब को रिस्पेक्ट दी है, जी और मतलब पूरे हमारे माथुर खानदान में ही, आई विल टेल यू, बहुओं को नाम से नहीं बुलाते, जी लगा के बुलाते, दैट मच रिस्पेक्ट. तो बहुत अच्छा है वो, अच्छी चीज है, लोगों को सीखना चाहिए ये. तो दैट वेज आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. और क्या, वो अपनी किस लेके आते हैं. हाँ, थोड़ा टाइम हमको लगता है कभी कभी, हम उतना, आई वॉज टेलिंग अनुपम लास्ट नाइट ओनली कि मैं रिजाइन करती हूँ अभी, मुझे बच्चों की पढ़ाई देखना है, मतलब 5th में आ गई है वो. जी सो ही इज लाइक, यू कंटिन्यू टू वर्क, आई विल टेक अ सबैटिकल, आई विल टीच किड्स, डोंट वरी. सो दैट सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट. मतलब सिर्फ माँ का ही फर्ज नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबको. आई थिंक इट्स अ मैसेज फॉर ऑल द मेन हु आर जी लिसनिंग कि पेरेंटिंग इज एन इक्वल टास्क जी पेरेंटिंग इज इक्वल टास्क. सो बोथ द कपल हैव टू गिव इक्वली 100% टू द बच्चे किड्स. दोनों के है ना एक एक इंसान के तो नहीं है लोगों एक को के थोड़ी समझना ना चाहिए है, वही जी तो. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो सपोर्ट मुझे मिल रहा है, आई एम लकी दैट इज. हाउ टू मैनेज किड्स इज लाइक, यू हैव टू हैव अ जॉब. दैट्स व्हाई आई सेड आई लेफ्ट लॉ फर्म. अगर मैं AZB में होती तो शायद अवेलेबल नहीं हो पाती. अभी मुझे पता नहीं वहाँ का क्या सिनेरियो है, बट जस्ट जिस टाइम पे मैं वहाँ काम करती थी, इट वॉज 24/7 जॉब. मैंने वहाँ मदर्स को भी देखा है, दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर फ्यू मदर्स. बट आई थिंक मैंने अपनी सैलरी में डिप लिया भले ही कॉर्पोरेट हाउस ज्वाइन करके, बट वो जो वर्क लाइफ बैलेंस और टाइम फॉर द फैमिली जो मुझे मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जयंत. मतलब आप पैसे तो कमा ही लोगे, पैसे शुड नॉट बी द, मनी शुड नॉट बी द अल्टीमेट एम,
एंड डेजिग्नेशन, उपाधि लेके क्या करना है, लेके तो नहीं जाना है, तो उपाधि और ये सब, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला वाइस प्रेसिडेंट, इट्स जस्ट अ पोस्ट, आई डू एनी वर्क दैट इज गिवन टू मी, चाहे वो विल ड्राफ्टिंग हो या कंसल्टेशन हो या कुछ भी. काम को खुश होके करोगे ना तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे. डोंट थिंक अबाउट मनी ऑल द टाइम, इट इज इम्पॉर्टेंट. जैसे अब लोन लिया है तो जरूरी है आप तब करोगे, बट नॉट थ्रू आउट. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो 6 साल के अंदर पार्टनर बन गए, उसके बाद क्या, मतलब आप बेस्ट देन ऑफ लॉ व्हाट? फर्म में हो, देन वॉट. तो जब मैं लॉ स्कूल छोड़ी थी तब मेरे पेरेंट्स ने वो स्लैम बुक लिखने का होता था ना उस टाइम, तो उनने भी स्लैम बुक भरवाई थी अपने रिलेटिव से और पापा से भी. तो पापा ने उसमें एक लाइन लिखी थी जो आज तक मैंने फ्रेम करके रखी हुई है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड आई अबाइड टू इट. मतलब कोई रश नहीं है, कुछ कोई कुछ चीज भागी नहीं जा रही है, आप स्लो एंड स्टडी सीखो हर चीज, और बैलेंस बना के चलो लाइफ में बहुत जरूरी है. जैसे आप बच्चों को चाहिए कि वो इंस्टा पे भी हो, वो पब्लिकेशंस भी कर दे, वो इंटर्नशिप्स भी कर ले, वो फैशन फिएस्टा में भी हो जाए, सब कुछ आप नहीं, यू कांट बी लाइक बहुत जैक ज्यादा ऑफ ऑल, प्रेशर बनना आज है की जनता ले रही है। मैं बहुत आपसे पूछना चाह रहा ज्यादा. हूँ सवाल, जो मैंने आपसे मेंटरशिप का सवाल किया उसको मैं इस सवाल से तरफ जोड़ देता हूँ। और आपने इतनी खूबसूरत बात की कि जो प्रेशर है, जैसे आपके फादर साहब ने आपको इतनी खूबसूरत बात बताई कि देखिए आराम से चलिए, क्योंकि हम स्पेशली हमारे प्रोफेशन में और लाइफ में भी जनरली लंबा गेम है थोड़ा सा, यू नो, ऐसा नहीं है कि आप आज ही बड़े वकील बन जाएंगे, एक आज ही आप बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे, बड़े संगीतकार बन जाएंगे, करेक्ट. सबको प्रैक्टिस जरूरत होती है। और आपने बोला कि ये बच्चे फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह सब कुछ करना चाहते हैं और एंड में आई थिंक दे गेट फटीग, दे गेट टायर्ड, यू नो, देर इज अ बर्न हाँ आउट। करेक्ट. तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? और फिर मैं मेंटर मेंटरशिप कॉन्सेप्ट को आपसे समझना चाहता हाँ सो आई थिंक हमारी IQ और EQ पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन. और मैं कहती हूँ बचपन से ही, मतलब जब बच्चे छोटे हैं उनको स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी देना चाहिए. स्पिरिचुअलिटी, जी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन हियर, लेट मी बी जी पॉलिटिकली करेक्ट, इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, इट्स अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल. आपको पता होना चाहिए कि आपकी बर्थ एज अ ह्यूमन बींग क्यों हुई है. मतलब देर आर 84 लाख थाउजेंड स्पीशीज आर अवेलेबल ऑन अर्थ, बट यू बीन बॉर्न एज अ ह्यूमन बींग, एक इंसान का जन्म आपको मिला है, तो आप अपने दिमाग, अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करिए. हमारे स्क्रिप्चर्स, जैन आई बीन रीडिंग नाउ, मैं थोड़ा स्क्रिप्चर्स की तरफ मेरा रुझान बढ़ा है. मैंने भगवद गीता पढ़ना भी शुरू किया है, और अपने बच्चों को भी मैं सिखाती हूँ अभी. तो हैरी पॉटर पढ़ने की जगह मैं उनसे कहूंगी कृष्णा बुक पढ़ो, तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, और अपने वेदास, जो जो लॉस्ट टेक्स्ट है उसे वापस लाना है. कल ही मैं एक आर्टिकल देख रही थी, वो उसमें बता रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज करने की कोशिश स्टार्ट किया था, तब उन्होंने कहा था वी हैव टू ब्रेक द एडुकेशन सिस्टम. मैक्स मिलर की स्पीच में रिकॉर्डेड है इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट कि यहाँ के कल्चर को ब्रेक करना पड़ेगा, दे हैव टू एनफोर्स इंग्लिश ऑन देम. हम संस्कृत तो भूल ही गए. जी मेरी बेटी की क्लास में 22 बच्चे हैं, दो बच्चों ने संस्कृत लिए, बाकी सब ने फ्रेंच लिए. तो हम वाई आर वी मिसिंग ऑन दिस. मतलब आई मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब हम अपने, अगर हम ट्रेडिशनली कुछ चीज फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को लॉजिकली समझ के हमें वो आगे बढ़ाना है उसे. जी ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है. और स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, कुछ मैं ही नहीं कह रही हूँ कि आप भगवद गीता ही पढ़ो, आप अपने स्क्रिप्चर को पढ़ो और उस मैसेज को समझो, तो आई थिंक बच्चे उससे फिर किसी प्रेशर में नहीं आएंगे. जी आप जब खुश होगे तो सब कुछ विल फॉल इन प्लेस. योर गॉड इज सिटिंग इन योर हार्ट इज व्हाट आई बिलीव, एंड लाइफ इज वेरी सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है. तो पैसा, ये सब उपाधियां जिनको हम बोलते हैं, सब सब है, ठीक है आप करो, बट फाइंड योर सेल्फ, हु यू आर, वाई आर यू बॉर्न एज अूमन बींग. लाइक जेंट, यू आर डूइंग सच गुड वर्क, दिस इज नथिंग बट भक्ति. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, इज डू विद वट एवर यू आर डूइंग विद डेडिकेशन. तो भले आप लिटिगेशन लॉयर का काम कर रहे हो, डू इट विथ थरो अटमोस्ट केयर. और कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो, कभी भी एनवियस होने की जरूरत नहीं है. ईर्ष्या जो शब्द है ना, हम सब कि फेसबुक पे किसी ने अच्छी फोटो डाल दी तो मुझे तो, मतलब ईर्ष्या का मतलब क्या है? एनवियस, आई एम ठीक है, आई एम हैप्पी यू हैव इट, बट आई एम सैड दैट आई डोंट हैव इट, व्हाई ही हैज इट. एनवी का मतलब ही वही है. तो जो उसके पास है आप उसके लिए खुश हो, जो आपके पास है आप उसके लिए खुश रहो. बहुत सिंपल चीजें हैं ये, तो ये हमें अपने बच्चों को सिखानी है. जैसे माय डॉटर ऑलवेज रिमेम्बर्स कि मैं यहाँ गिरी थी, मुझे यहाँ लगी, फिर
फिर मैं बॉम्बे में थी तब मुझे यहाँ चोट लगी थी। मैंने कहा आप दीदी हमेशा बुरी बातें क्यों याद करती हो, आप अच्छी बातें क्यों नहीं याद करती हो? जी तो कहती है मतलब आपको ये सब बचपन से ही बच्चों की आदतें नोट करना चाहिए। तो मैं उसको भगवत गीता का एक वर्स है जो मेरा फेवरेट वर्स भी है, 2 पॉइंट चैप्टर 2 वर्स 15, इसमें लिखा है कि आपको एक पेड़ की तरह होना चाहिए जिसकी जड़ें मजबूत हो, चाहे बारिश आए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, पेड़ जी वैसे ही खड़ा रहता है। तो जब आप खुशी आती है तब आप दुखी नहीं होते कि भाई कि खुशी मेरे को क्यों मिली, आप क्यों नहीं बोलते ऐसा कि इतनी खुशियां मुझे क्यों मिल रही है। तब आप दुख आता है तब क्यों बोलते हो कि भाई इतना दुख मुझे भगवान ने क्यों दिया। तो आप जब तक इतने स्ट्रांग नहीं बनोगे ना, आप सेल्फ पे कंट्रोल कर लो, सोल के बारे में जान लो, लाइफ विल बी केक वॉक। मतलब फिर ना एनवियसनेस रहेगी, ना लॉकडाउन में बंद रहने का दुख रहेगा, ना बाहर जाने की खुशी में आप खुश हो जाओगे कि फेसबुक पे फोटो डालने लग जाओगे। तो स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा मैसेज बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, किसी भी उम्र के लोगों के लिए। तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, लाइफ विल बी सॉर्टेड, इज माई मैसेज। और मेंटरशिप के लिए सी यू हैव टू बी योर ओन मेंटर, यू हैव टू एंजॉय योर ओन कंपनी। इफ यू यू कांट बी सच अ बोरिंग पर्सन कि आप अपने साथ अकेले, मतलब जैसे लॉकडाउन में लोग डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आप अपने आप के साथ बैठे थे, अपने जी, आप के साथ ही आप यू बोर डोंट हो लाइक योर जाओगे ओन तो फिर तो कंपनी करे जी दिस इज लाइक द वर्स्ट थिंग। सो आई जी थिंक ये लॉकडाउन में लास्ट ईयर मैंने भगवद गीता की क्लासेस शुरू की थी, ज्वाइन किया। इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। इट इज नॉट एज सिंपल कि कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत करो। नहीं, जी ठीक है, वो तो सिर्फ एक कॉमन श्लोक है बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप भगवद गीता को कोई भी एक पेज खोलो, मेरे साथ हमेशा रहती है वो, दिन में एक बार मैं 10 मिनट के लिए जरूर पढ़ती हूँ वो। और हमारे जो पुराने वर्सेस हैं या स्क्रिप्चर्स हैं, एक बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ द रूट्स करके, जी आई थिंक दैट बुक शुड रिप्लेस द हिस्ट्री बुक्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 1st to 12th स्टैंडर्ड। दे शुड रीड दैट बुक, इट इज ऑल अबाउट इंडियन हिस्ट्री। आई थिंक थोड़ा है उसमें वेदा वगैरह उपनिषद जो हमने पढ़े ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और ये स्पिरिचुअल साइड में बताऊंगी मैंने कब किया, आप लोग ये बुक भी पढ़ सकते हैं, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स। जी ये एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर है यूएस में, उन्होंने लिखी थी 1978 या 80s में कभी लिखी थी। इट इज अबाउट हाउ ही वाज ट्रीटिंग अ नर्स, तो उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते थे। तो जी आई हैव ऑल्सो रेड बुक, आई रेड, वंडरफुल जी, इट्स अ वंडरफुल बुक एंड द कंक्लूजन ऑफ दैट बुक इज सोल नेवर डाइज, सोल इज पासिंग ऑन। इट कीप्स मूविंग ऑन भगवद जी गीता, तो भगवद गीता में भी यही लिखा है। तो जब हमारे पास वो बुक्स हैं जिनमें इसका ओरिजिन है, मतलब मैंने स्टार्ट उल्टा किया बट ठीक है। तो आई थिंक दैट्स द मैसेज। एंड मेंटोरशिप, लाइक फॉर मी माय मेंटर्स एज आई से आई कैन नेम देम, विनीता एम जी हु शी वाज अ पार्टनर इन AZB, आई यूज्ड टू वर्क विद हर, जिया मोदी डेफिनेटली, देन राइट नाउ अर्पिता माय बॉस, आई मीन आई जस्ट लुक अप टू हर, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय पेरेंट्स, लाइक माय पेरेंट्स एंड माय हस्बैंड अनुपम। लाइक फॉर एनीथिंग, मतलब कुछ भी होता है मैं उनके पास ही जाती हूँ कि दे आर लाइक कृष्णा इन माई लाइफ, जैसे अर्जुन की लाइफ में कृष्णा थे वैसे वो हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनके पास जाती हूँ। और इंस्पिरेशन की बात करें जैन, तो आई हैव डेफिनेटली इंस्पायर्ड 3-4 पीपल इन माई लाइफ टू परस्यू लॉ एंड दे आर डूइंग इट वेरी हैप्पीली। मेरी नीसेज हैं जो अभी, जब मैं शादी होके आई थी तब वो 7th स्टैंडर्ड में थी, 11 साल हो गया शादी को। 12th में आने के बाद उन्होंने कहा चाची हमको तो लॉ करना है। मैंने कहा धन्य हो गई भाई, एक जीवन सफल कर दिया मैंने, और क्या चाहिए। एक बंदी तो जी मतलब वो फैन है, एक मेरे साइड ऑफ द फैमिली, एक मेरे हस्बैंड की साइड ऑफ द फैमिली। फुटस्टेप्स, दे विल कॉल मी फॉर एनीथिंग। तो मतलब मुझे लगता है ठीक है, दो हो गए लाइफ इंस्पायर, और क्या चाहिए। तो आई एम लाइक मेंटर फॉर देम। बाकी अपने बच्चों का मेंटर बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैं नहीं चाहती जी कि मैं उनपे लॉ फोर्स करूं। आई विल लेट देम डू वट एवर आई दे वॉन्ट टू डू, बट जिन्होंने अपनी मर्जी से चूज किया आई हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू देम, लाइक चाहे वो पब्लिकेशन हो, चाहे वो कौन सा कॉलेज चूज करना है। तो आई मीन आई लव टू बी इन द कंपनी ऑफ यंग पीपल, लाइक आई प्ले विद माई डॉटर्स फ्रेंड्स ऑल्सो विद देयर 10 ईयर ओल्ड, आई बिहेव लाइक देम। मतलब मेरी उम्र भले भले बढ़ रही है बट दिल से मैं एक बच्ची हूँ अभी भी, अपने पापा मम्मी की छोटी सी, मुझे वो लगता है। और वैसे ही सबको रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट हैव दैट किड लाइवली। तो मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट यही है कि अपने मन के बच्चे को जिंदा रखो
बाकी जिंदगी बीत जाएगी। आपने बहुत बढ़िया, मैं समझता हूँ, इसका जो वृतांत दिया, इतना सुंदर वर्णन है, और जो जो भी हमारे दर्शक सुने, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जीवन के जो सत्य हैं, ये किसी भी आप किताब को पढ़े, मैं मजहबी नहीं बात करें, अन्य आने किसी भी आप किताब को उठाएं, उसमें इंसानियत की बात और अच्छाई की बातें ही लिखी होती हैं। कभी बुराई का साथ देने को कोई नहीं कहता। और इसमें एक मेरे ख्याल से रहीम कबीरदास जी का किसी का एक दोहा है, जो आपने सुख और दुख की बात की, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में कोई सुमिरन करे दुख काहे को होए। और इसी का अभ्रंश लोगों करेक्ट ने बना दिया है आजकल, जो बोलचाल की भाषा होती है, कि आप दूसरे के सुख से सुखी नहीं होते, दूसरे के दुख से सुखी होते। जो आपने अपने कंपैरिजन की बात की, वेरी बैड, वेरी बैड। खराब है, कहते हैं ना कि मेरे पड़ोसी के पास अगर गाड़ी तो मैं उससे बड़ी गाड़ी लूंगा, तो ये जो चीजें आ जाती हैं, जो मटेरियल चीजें आ जाती हैं, ये होता है। पर तीसरा एक छोटा सा सवाल मैं आप जो निकल के आए सारी बातों में पूछना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि लाइफ सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स ना करें, पर हम जो वकील जो तबका है हमारा, इसको कई बार इस पे आरोप गड़े जाते हैं कि हम चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। जो पूरा जो जुडिशरी का माया जाल है, और जितने कॉम्प्लेक्स लॉज, खैर हम ड्राफ्टिंग के इतने पार्ट नहीं है, कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में पॉलिटिशियन बन गए, तो ड्राफ्टिंग में जाहिर सी बात है इस चीज को करते होंगे, लेकिन लॉयर्स डोंट ड्राफ्ट लॉ, एक बात तो यह है, पर लॉयर्स ट्राई टू सिंप्लीफाई लॉ, लेकिन इतनी जो कॉम्प्लेक्सिटी है लॉ में, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद फिर मैं वेल्थ मैनेजमेंट लाऊंगा आपसे। देखो, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आई विल कंपेयर इट विथ माय फेवरेट प्रोफेशन, जी आप जाते हो एक बीमारी लेके और वो पूरे ब्लड टेस्ट करवा के 36 चीजें करने को बोलता है, बट आप वहां पे हैप्पीली आप पैसे भी देते हो, टेस्ट भी करवाते हो, जो दवाई वो देता है बिना उसके गूगल कर लेते हो, बट खाते तो हो अल्टीमेटली। जी और अगर एलोपैथिक नहीं सूट करती तो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पे जाते हो, बट कोई भी बीमारी का इलाज आप करते हो, पैसे दे के करते हो। बट जब वही चीज लॉ में आती है ना, तो जैसे मेरे प्रोफेशन में तो थैंकफुली माय जॉब इज नॉट टारगेट लिंक, जी तो भले एक छोटी सी क्वेरी हो, पावर ऑफ अटर्नी की भी हो, मुझे टाइम लगता है बनाने में, बट उसके मुझे पैसे नहीं मिलते। लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो इनका रोज का काम है, तो मतलब इसके लिए चार्ज क्यों करना है। अरे जब आप डॉक्टर को पे कर सकते हो, तो जी मैं भी चार बुक्स पढ़ के आई हूँ ना, पे फॉर माई टेक्निकल नॉलेज। आई विल जी नॉट से कि लॉयर का जॉब कॉम्प्लीकेट करना है थिंग्स, नो, वी आर हियर टू सिंप्लीफाई थिंग्स। जो पुराने लॉस चले आ रहे हैं, आई अग्री, आर्किक है, क्वींस लैंग्वेज चल रही है, पीओए बनाओ तो एक दाओ शैल एंड वो सब सिंप्लीफाई करना चाहिए। आई एम विथ यू ऑन दैट। इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस ऑल्सो विच आई कैन गिव इज, व्हेन आई वाज ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, मुझे ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट ऐसे बनाओ कि अगर कोर्ट में जाता है तो इसका इंटरप्रिटेशन ईजी हो, जज को भी प्रॉब्लम जी नहीं हो, जो लॉयर आर्ग्यू कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो। पहले करेक्ट बात तो जाना ही नहीं चाहिए, अगर गया तो ऐसे करो, तो हमेशा लिटिगेशन लिटिगेशियस पे इशू ना बने, वैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। और फैमिली लॉ में तो यू हैव टू टेक इमोशंस एंड एवरीथिंग इन, तो आई लव दैट ड्राफ्टिंग आल्सो, बट आई ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट टू अवॉइड एनी लिटिगेशन, सो दैट्स अ गुड जी एडवाइस दैट पीपल शुड रिमेम्बर। बट जी आई डोंट थिंक सो, लॉयर्स जॉब इज कॉम्प्लिकेटेड और वी कॉम्प्लिकेट थिंग्स। रादर आई एम विथ सिंप्लीफाई माई और ट्राई टू फ्रेटर्निटी, वी सिंप्लीफाई। जी जी सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर पीपल, जस्ट लाइक डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेट मोर फॉर जी पीपल, और वो जाल में फंसते जाते हो, जाल में फंसते जाते हो, खर्चा भी करते जाते हो, इंश्योरेंस भी खत्म हो जाता है, बट यू नेवर कम आउट ऑफ इट। एक बड़ी बीमारी अगर नाम दे दिया तो जी गए काम से। इसलिए इसलिए मेरा, देखिए आपने इतनी अच्छी बात की, और होता है कि मेरे जवाबों से थोड़े से सवाल निकल जाते हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे और नहीं बात नहीं पूछ लेता प्लीज। हूँ इसी के चलते, कि आपने आपने बोला कि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते हैं कि कचहरी जाने की जरूरत ना पड़े। अब इससे प्रॉब्लम मुझे से वकीलों को ये होती है कि हम तो कचहरी के वकील हैं, अगर आप ही लोग रोक देंगे, इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेंगे, तो हम लोग की जो जो वो है जीवनी, वो कैसे चलेगी। तो इस पर मैं नहीं, हमेशा, आप अपने जो मेरे जाते दोस्त हैं, चाहे लॉ फर्म के इनहाउस हैं क्यों, मैं कहता हूँ आप लोगों ने इतना तगड़ा अपना महकमा बना लिया है कि आप लोग चाहते ही नहीं कचहरी तक मुकदमा पहुंचे, क्योंकि आप लोग अपने काम में इतने उत्तीर्ण है कि आप जानते हैं कि अगर ये चीज गलत होगी तो कोर्ट जा सकती है। तो अब जो कोर्ट वाले वकील है वो क्या करे, करेक्ट। उसके लिए कुछ जरा आप राय दें हमें। अरे बाबा, जो पुराने केसेस हैं उनको जुडिशरी कितनी बदनाम हुई हुई है, पहले पुराने केसेस हमको निपटाने चाहिए, क्लीन जी इमेज बना लेने चाहिए, और आपका काम कभी कम नहीं होगा। दो भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे विल में सब कुछ सही लिखा हो, बट वो कोर्ट के पास जाएगा और जज जब डिसाइड करेगा तभी वो दो भाई मानेंगे, तो ना आपका काम बंद होने वाला है ना हमारा। अच्छा इंसानी काम फितरत जब तक करे, रहेगी तब तक सबके चूल्हे जलते रहेंगे। सब कुछ अब आ जाते हैं करेक्ट। नेहा, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हुई हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसपे आपको पारंगत हासिल है, वो है वेल्थ मैनेजमेंट।
दर्शक जो हमारे हैं कई लॉयर्स भी हैं और कई लोग हैं जो वकील नहीं है, जो आम जनता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जितनी सरलता से हम इस चीज को समझें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो श्योर सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि ये वेल्थ मैनेजमेंट है क्या, फैमिली लॉ क्या चीज होती है, और जो आप काम करती हैं बतौर वकील सेंटर में या जो आपने पहले भी काम किए हैं, इसमें लोगों को क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है, क्या क्या वो एहतियात बरत सकते हैं, तो पहले तो इस पे आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे जो आपने विल का और स्टेट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट लिया। तो श्योर पहले श्योर सरल सरल चीजों से शुरू करके आप बताइए, उसके बाद बाकी चीजों की व्याख्या करें। ठीक है. सो सिंपली पुट, आप कैटेगरीज कितनी बना सकते हो? एक होता है प्रोफेशनल, जो जॉब करता है, सैलरी लेता है बंदा. दूसरे होते हैं बिजनेस में, लोग होते हैं बिजनेस में. कुछ अब बिजनेस के भी टाइप्स होते हैं, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, कोई पार्टनरशिप में होता है, कोई कंपनी स्ट्रक्चर में होता है. बट सब सब क्या काम कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं. पैसा कमा रहे हैं मतलब वेल्थ इकट्ठी कर रहे हैं. जी अब वेल्थ इकट्ठी करते हैं तो हम उससे घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, या घर के में एग्रीकल्चरल लैंड लेते हैं, या कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेते हैं, या खरीद के रेंट पे दे देते हैं. तो रेंटल इनकम, तो किसी भी तरीके से जो आप पैसे कमा रहे हो, आप उस पर इनकम टैक्स भी देते हो. फिर जब बेचते हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स भी देते हो. तो एक वेल्थ प्लानिंग फर्म क्या करती है, आप जो पैसे कमा रहे हो जी उसको मल्टीप्लाई करने के तरीके बताती है, प्रॉपरली इन्वेस्ट करके, और फिर होराइजन ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का आपको सजेशन देती है कि आप म्यूचुअल फंड्स में डालो, आप थोड़ा इंश्योरेंस ले लो, आप गवर्नमेंट स्कीम्स में डाल दो, आप थोड़े बॉन्ड्स में डाल दो, टैक्स फ्री बॉन्ड्स. तो वो आपके इनकम को असेस करती है. फिर उसके बाद आपको हेल्प करती है कि आपके बच्चे जैसे कॉलेज में जाएंगे तो आपको किस प्रोडक्ट में डाल के ताकि आपको रिटर्न्स मिले. बेसिकली प्लानिंग द मनी दैट यू अर्न ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, तो जी वेल्थ प्लानिंग फर्म ये करती है. अब मेरा रोल एज अ लॉयर इन दिस होल सेटअप, आप नोबडी इज यू नो अमर, कोई अमर तो है नहीं. जी आपको पुराने आपके पेरेंट्स से, एंसेस्टर्स से प्रॉपर्टी मिली है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हो, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को मिलती है. अब इतना आसान नहीं है कि आपने ऐसे बस लिया और डेथ हुई और आपके नाम हो जाएगा. उसके लिए कुछ ऑफिसों के चक्कर लगाना. आप तो आप प्रॉपर्टी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी. जी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके रियल एस्टेट जैसे डिफरेंट का कैटेगरीज, उसका ओनरशिप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपने सिंगली ओन किया है या जॉइंटली है, इंडिविजुअल के नाम है कि एंटिटी बिजनेस के नाम है. फिर उसको किसी ओनर की डेथ हो जाती है या ड्यूरिंग लाइफ टाइम मुझे अगर गिफ्ट करना है, जैसे मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी है, मुझे अपनी बेटी को गिफ्ट करना है, तो मैं गिफ्ट डीड कर सकती हूँ. बट सिर्फ गिफ्ट डीड से नहीं होगा, मुझे उसका रिकॉर्ड अपडेट करना होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, प्रॉपर्टी के सारे म्यूनिसिपल टैक्सेस बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वो सब चेंज कराना. फिर मूवेबल एसेट्स में क्या होते हैं, बैंक अकाउंट्स, आपके इंश्योरेंसेस, आपके FDs, आपके जो आपने डीमैट अकाउंट खोला है उसमें इतने सारे शेयर होल्डिंग हैं आपके. वो तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं मैंने, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ सिंपल हस्बैंड एंड वाइफ हु आर यंग, अभी शादी हुई है और अच्छी सैलरी है, अपना कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं. तो उन्होंने एक फ्लैट खरीद लिया जॉइंट नाम पे, हस्बैंड एंड वाइफ के, और सैलरी आ रही है जिसमें PF भी कट रहा है, PPF में भी पैसे डाल रहे हैं, इंश्योरेंस भी ले लिया है, और डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं. और अभी कुछ अकाउंट उनके शादी के पहले खुले थे, कुछ अकाउंट उन्होंने शादी के बाद जॉइंट ओनर में ओनरशिप में खुले. क्या उन्होंने हर चीज को ध्यान रख के ये सब काम किया है? जैसे शादी के पहले कि मेरे अकाउंट में मेरे फादर नॉमिनी होंगे, जी तो शादी के बाद मैंने अपडेट किया क्या नॉमिनी? दूसरी चीज, अगर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी क्या आराम से मेरे फादर को जाएगी वापस, कि मेरे हस्बैंड को जाएगी, कि मेरे बच्चों को जाएगी? ये सारी चीजों का एनालिसिस करना, एक एसेट रजिस्टर बनाना बेसिकली, कि मैं जी एक जगह लिस्ट डाउन कर दूं कि मैंने 5 इंश्योरेंस लिए हैं, मेरी गाड़ी मेरे नाम पे है. ये सारे एसेट्स को ट्रांसफर करने में ना जान बहुत प्रॉब्लम होती है. लोग एसेट रजिस्टर नहीं बनते, जैसे बैंक में नॉमिनी ही नहीं रजिस्टर होता है, तो फिर क्या होता जी है, बैंक वाला क्या बोलता है कि मुझे कैसे पता कि आपके एक ही बच्चे हैं, हाँ, आप कोर्ट लीगल जाके एयर सर्टिफिकेट, कोर्ट वो जाके लीगल सक्सेशन एयर सर्टिफिकेट लेके सर्टिफिकेट आइए। ला. जी। अब वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना, उसमें एक वकील को इन्वॉल्व करना, कोर्ट में पैसे देना, और वक्त पांच जो है छह छह महीने महीने निकल गए. जी उसके बाद आपकी मतलब आपको फाइनेंशियल नीड है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बट फैमिली सफर कर रही है, बच्चों की एजुकेशन मतलब 3 3 साल के बच्चों की एजुकेशन सफर हुई है. तो हैविंग अ सिंपल एसेट रजिस्टर एंड विल, व्हाई व्हाई डू यू नीड अ विल? जैसे अगर किसी ने, सपोज मैंने कोई विल नहीं लिखी, तो मैं हिंदू हूँ, मेरे जी पर्सनल लॉ
विल गवर्न माय मेरे एसेट कैसे ट्रांसफर होंगे, किसको ट्रांसफर होंगे. इट इज डिफाइंड एज पर लॉ. भले मेरे घर में फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब कहें कि ठीक है आप सब अपनी बेटी को देना चाहते हो, सब अपने बेटे को देना चाहते हो, मुझे कुछ हक नहीं चाहिए. लेकिन आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा. वो जो धक्के खाने का काम है, वो एक सिंपल विल वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. दूसरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत केसेस हैं जॉइंट प्रॉपर्टी, जैसे मेरे और मेरे जी हस्बैंड के नाम जॉइंट प्रॉपर्टी है. अब हिंदू लॉ में फीमेल के लिए लिखा है अगर फीमेल की डेथ होती है तो फीमेल की प्रॉपर्टी हस्बैंड और बच्चों को जाएगी. मेल की डेथ होती है तो उसमें लिखा है मेल की वाइफ, बच्चों और मेल के माँ को भी जाएगी. तो इन केस वो सास पिक्चर में आ जाती है. और जी मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हुए हैं कि हस्बैंड की अचानक से डेथ हुई है. 30-35 की मेरी एक फ्रेंड है और सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई और ये लोन पे चल रहा था तो उस बंदी ने चाहा कि मैं घर बेच के लोन खत्म करके निकलूं. तो उसकी सासू माँ ने एक लीगल नोटिस भेज दिया कि इस प्रॉपर्टी में मैं 25% की हकदार हूँ, मुझे जी इतना पैसा मिलना चाहिए. तो एक विल होती तो साफ हो जाता कि ये पैसा, और पैसा सारा बंदी ने खर लगाया था, लोन भी बंदी ने जी लिया था, सिर्फ हस्बैंड का नाम कन्वीनियंस के लिए डाला था. बट वो जी पूरा अभी लिटिगेशन में है, 5 साल हो गए उस बात को. ना वो रेंट पे दे सकती है ना वो बेच सकती है, कोर्ट क्योंकि एक लॉयर के थ्रू की तरफ से नोटिस स्टे भेजा हो हुआ. गया। जी तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बट अगर हम ड्यूरिंग लाइफ टाइम बैठ के सोचे, प्लानिंग फॉर डेथ इज लाइक अ टैबू इन आर कंट्री. देयर नोबडी प्लान्स फॉर डेथ. अगेन आई विल गिव यू अ रेफरेंस ऑफ भागवत गीता एंड महाभारत. इसमें युधिष्ठिर ने तो साफ पूछा ये क्वेश्चन नारद से, और नारद ने जवाब दिया कि लोग जो लोग मृत्यु के बारे में प्लान नहीं करते हैं वो बेवकूफ है. सबको पता है कि उनकी मौत होने वाली है, तो यू हैव टू प्लान फॉर योर डेथ. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक एसेट रजिस्टर बना लें. हम अपना पैन इनकम टैक्स तो फाइल करते ही हैं. जी सबसे सिंपल एडवाइस है कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड, इवन इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन. दे आर टीनेजर्स, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जस्ट जी दूसरी सिंपल प्रॉपर्टी की बात की मैंने, जो ये एंसेस्ट्रल चीजें चली आ रही थी कि प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बैंक अकाउंट्स, बट अब नई चीजें हैं. आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इतना सारे अच्छे कॉपीराइटेड मटेरियल डालते हो, जी वो उस किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेरे फेसबुक अकाउंट का क्या होगा मेरी डेथ के बाद. उसमें उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं. मतलब मैं तो पूरा एक लेक्चर दे सकती हूँ उस पर, जी जी क्योंकि मेरा ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है. तो डिजिटल एसेट्स को प्लान करना भी बहुत जरूरी है. पासवर्ड्स, फोन, फोन में आपके सारे एप्स हैं बैंक के, पेटीएम में पैसे पड़े हुए हैं, तो हाउ डू यू प्लान फॉर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जी एटलीस्ट माई एडवाइस इज पीपल शुड लिस्ट डाउन देयर एसेट्स, इन्फॉर्म देयर फैमिली कि मैंने ये लिखा है, मैं ये आपको देना चाहता हूँ. सिंपल विश लेटर आप हाथ से भी लिख सकते हो कि आई नहीं आ रहा है ऑन 28th of June 2021, से दैट माई एंटायर एस्टेट दैट आई लीव बिहाइंड ऑन द डे ऑफ माई डिमाइस शुड गो टू माई हस्बैंड, इन केस माई हस्बैंड इज प्रीडिसीज्ड, टू माई चिल्ड्रन. दैट्स इट. इन केस नोबडी इज देयर फॉर अ चैरिटी और फॉर एक्सटेंडेड फैमिली. एक एक वन पेजर कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, जी यू नो. सो दैट्स द सिंपल एडवाइस ऑन दिस. अदर थिंग जयंत, ऑन सक्सेशन प्लानिंग व्हाट आई डू इज ट्रस्ट सेटअप. नाउ आई टेल यू, इन इंडिया देयर इज नो एस्टेट ड्यूटी, इनहेरिटेंस टैक्स. इट वॉज अबॉलिश्ड इन 1986. US, most of the jurisdiction, US, UK, everywhere there is. Yeah, so I was talking about setting up another tool of succession planning. तो पहले तो आप अपने nominations कर लो. लोगों को लगता है nomination is sufficient, which is not. Nomination is only for convenience. So therefore, you should have a will, वसीयत. Will के साथ साथ will is something that comes into effect post your lifetime. बट जी और भी चीजें होती हैं जिसके लिए लोग ट्रस्ट सेटअप करते हैं. तो वो मैं डिस्कस कर रही थी आपसे कि इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में अबॉलिश किया हुआ था. इनहेरिटेंस टैक्स बेसिकली डेथ टैक्स. तो अगर सपोज मैं यूएस में रहती और मैं मेरी बैलेंस शीट में 100 रुपए होते मेरा नेटवर्थ, तो वो 100 रुपए सीधे मेरे बच्चों को नहीं चले जाते, मेरे लीगल एयर्स को. उसमें से 40% टैक्स IRS, द टैक्स अथॉरिटीज इन यूएस विल टेक. ऐसा सिमिलर लॉ इंडिया में था जो अबॉलिश हो गया है, बट देर आर टॉक्स की इट विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया. और इसी के कारण से ये ट्रस्टी कंपनीज इंडिया में सेटअप हुई हैं, जो अल्ट्रा HNIs के लिए ट्रस्ट सेटअप करती हैं, विच इज इट्स नॉट अ टैक्स इवेजन टूल, इट्स अ टैक्स अवॉइडेंस टूल, प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग टैक्स टूल. कि प्लानिंग आप जी वो
टैक्स प्लानिंग के लिए लोग इनहेरिटेंस टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रोस्पेक्टिवली अगर इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में तो आप ट्रस्ट बना सकते हो। ट्रस्ट क्या है, वो भी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 गवर्न करता है उसको। उसमें जैसे मैं मेरे फादर को मुझे कुछ प्रॉपर्टी देना है जी और वो चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के काम आए, मतलब मैं सेल नहीं कर दूं उसे या मैं कंट्रोल करूंगी तो मैं बेच के कुछ कर दूं, तो क्या करेंगे मेरे फादर, वो एक ट्रस्ट सेटअप करेंगे। वो कहेंगे नेहा तुम इस ट्रस्ट की ट्रस्टी हो, ये ट्रस्ट में मैंने से 1 लाख रुपए डाले हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तुम्हारे बच्चों के काम आए, और ये ट्रस्ट चलेगी जब तक तुम्हारे बच्चे 18 साल के नहीं होते। तो वो मनी को मैं सिर्फ मॉनिटर करूंगी, मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसमें बेनिफिशियरी नहीं हूँ। तो एक ये ट्रस्ट सेटअप कर दिया हमने। फिर बिजनेस फैमिलीज ट्रस्ट सेटअप क्यों करती हैं, क्योंकि हमारे इंसॉल्वेंसी लॉ में भी एक एग्जेम्पशन है कि सपोज कोई बिजनेस बैंकरप्ट बैंकरप्टसी फाइल हो जाता है जी बट उस प्रमोटर ने अपनी लाइफ टाइम में एक इररिवोकेबल ट्रस्ट सेटअप किया, वो इनकम टैक्स में इररिवोकेबल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, अगर प्रॉपर प्लानिंग करके ट्रस्ट में पैसा डाला है तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में भी वो ट्रस्ट को टच नहीं कर सकती प्रोसीडिंग्स में। तो आपका वो सुरक्षा कवच फैमिली मिला को हुआ है अपनी ट्रस्ट को। सुरक्षा कवच फैमिली के लिए, जस्ट लाइक एमडब्ल्यू पे पता होगा आपको, मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट के, अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, अगर हस्बैंड इंश्योरेंस ले रहा है और उसने एक एमडब्ल्यूपी का एक फॉर्म साइन कर दिया तो वो पैसा सीधे वाइफ को मिलेगा, डिवोर्स भी हो गया तो भी वाइफ को ही जी मिलेगा हस्बैंड के पास, क्योंकि वो इरिवोकेबली वाइफ के नाम हो गया है। जी तो ऐसे कुछ टूल्स हैं विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, एक्सप्लॉइटेड भी होते हैं वो, बट यही सब प्लानिंग हम करते हैं, ये सब क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं जो बिजनेस में हैं या जिनके बैंकरप्सी की प्रोस्पेक्टिवली उनको लगता है कि कुछ हो सकता है तो मैं अपनी फैमिली को सिक्योर करूँ। फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जैन, जो लोगों को नहीं पता है, जैसे फैमिलीज हैव चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स लाइक ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, राइट जब तक माँ बाप होते हैं वो ध्यान रखते हैं बट दे विल नॉट बी देयर फॉर एवर, बट ऑटिज्म इज ओनली और ऑटिज्म और सिमिलर डिजीजेस वेयर दे आर फिजिकली फाइन बट मेंटली दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। तो जी ऐसे बच्चों के लिए भी माँ बाप को एक ट्रस्ट सेटअप बनाना चाहिए जिसमें उनकी लाइफ टाइम के बाद भी एटलीस्ट फाइनेंशियली उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे, एक कॉर्पस बिल्ड करके लाइफ टाइम में। और वो ट्रस्ट मैनेजमेंट आप एक्सटर्नली कॉर्पोरेट्स को भी दे सकते हो या सिबलिंग्स को भी दे सकते हो। फिजिकल कस्टडी और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी को भी दोगे तो थोड़ा बोझ बन जाता है। तो आप ट्रस्ट सेटअप करके प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट्स करके ड्यूरिंग लाइफ टाइम आप उस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो हमने बहुत ट्रस्ट सेटअप किए हैं फॉर चिल्ड्रन फैमिली नीड्स और वो कुछ बिल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स आई वर्क विद, दे वर प्लानिंग टू सेट अप अ प्रोफेशनल फैसिलिटी फॉर सच चिल्ड्रन कि वंस वी आर गॉन और बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, अच्छी प्रॉपर हाउसकीपिंग में रखना, अच्छी एसी फैसिलिटीज देना। वो पैसा अभी से बिल्डअप कर रहे हैं और ऐसी फैसिलिटी बना के एक रूफ के अंडर रखेंगे। तो बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट प्लानिंग हम उन बच्चों के लिए भी करें। टूल्स अवेलेबल हैं तो यूज करना चाहिए बेसिकली। तो ये करते हैं हम। फिर उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह, जनरल एडवाइजरी। अब जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं मैं को अपनी लाइफ टाइम में गिफ्ट कर देना है, बट ठीक है अगर आपके पास एक रहने के लिए छत है तो आप गिफ्ट कर सकते हो, बट हमारी एडवाइस यही होती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉपर्टी जब तक वो अलाइव है रहे। बट हर फैमिली डिफरेंट होती है, हर हर फैमिली की रिक्वायरमेंट अलग होती है, डायनेमिक्स अलग होते हैं। अभी थिंग्स आर हंकी डोरी बट पेरेंट्स की पेट्रियार्क की डेथ के बाद यू नेवर नो, मतलब कब किसकी इच्छाएं जाग जाए इक्वेशन चेंज हो प्रॉपर्टी को जाए या कुछ भी लेके, हो जाए। जी कुछ भी हो। तो ये सब ड्यूरिंग लाइफ टाइम प्लानिंग करना इट्स अ टैबू बट विच शुड बी रिमूव्ड। आपको डिस्कस करना चाहिए, प्लान करना चाहिए कि भाई अभी हम हैं तो तुम लोग अच्छे से रह रहे हो, हमारे जाने के बाद भी एटलीस्ट हमारी प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई मत करना, अच्छे संबंध बना के रखो। उसके लिए एक विल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे बच्चों को भी पता चल जाता है कि हमारे पेरेंट्स की विश क्या थी। जी तो मतलब आप गूगल करके भी विश कर सकते हो, विल बना सकते हो, बहुत टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ओनली थिंग इज प्रोफेशनल एडवाइस से जो हम करते हैं इट्स अ वेरी प्रोफेशनली डन डॉक्यूमेंट, क्योंकि सारे गूगल आपको न्यूएंसेस कानून को पढ़ के हिदायत नहीं दे रहा, ये मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं, क्योंकि इसलिए आदमी कानून की तालीम लेता है, उसको पढ़ता है। और आपने इतने साल इंडस्ट्री में निकाले, 15 साल से ऊपर हो गए आपको काम करते करते, तो गूगल में जैसे है ना कि आप डॉक्टर कि किस तरीके या से बहुत हम ये गलत। बातों को साझा करें, क्योंकि आज खासकर संक्रमण के सुनामी के दौर में जहाँ पे बहुत बच्चे अनाथ हो गए, जहाँ पे कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, इन सब चीजों के चलते एस्टेट प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, वेल, गिफ्ट, ये जो सारी चीजें होती हैं, ताकि आप कानूनी स्ट्रक्चर में अगर फंसे भी तो उतने ना फंसे कि आप फंसते ही चले जाएं, ये कोशिश रहती है। और इसी प्रोग्राम के जरिए हमारी मुहिम भी रहती है। नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे जुड़ी और आपने इतनी अच्छी बातें की, अपना समय हमको दिया। लेकिन जाने से पहले हमारा एक
जो रिवाज है वो ये होता है कि हम अपने अतिथियों से कहते हैं कि अपने दो शब्द साझा करें, क्लोजिंग कमेंट्स दें हमारे दर्शकों को। दर्शक से मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं होता, मेरा मतलब उनसे भी पीपल हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। मैसेज जैसे कि हमने शुरुआत की थी कि भाई शिक्षा शिक्षा हैज बीन माय बेस, एंड मैं यही प्रोपोगेट भी करूंगी कि शिक्षा बहुत एक लेसन की उच्च शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ जानकारी देती है, बल्कि वह है जो हमारी जीवन में सफलता को नया आयाम देती है। तो मतलब बुक्स पढ़ के और मैं एक लॉयर बन जाऊं और मैं बड़ा ऑफिस खोलूं और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाएं, शिक्षा का मतलब ये नहीं है। एडुकेशन brings lot of humility. So be a humble person, be a simple person. छोटी सोच बड़ी होना चाहिए बट लिविंग छोटी रखो, भले आप छोटी गाड़ी चला रहे हो बट खुश रहो उसमें, खुश रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा मैसेज सबके लिए यही है, क्लोजिंग रिमार्क यही है कि अगर खुश नहीं हो तो मुझे फोन करो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर दूंगी कि आप खुश हो जाओगे। तो जस्ट बी हैप्पी एंड हम आपका नंबर यहाँ पब्लिक नहीं करेंगे, नहीं तो यू विल बी फ्लडेड, नहीं 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 मुझे ब्लेम करेंगे कि क्यों आपने सोशल मीडिया पे मुझे वायरल कर दिया। सो मतलब थोड़ी सी एडुकेशन आप खुद लोगे ना तो आप अपने आप में खुश रहोगे। एडुकेशन जैसे मैंने कहा कि आपको जानकारी बटोरना नहीं है, यू इन्फॉर्मेशन क्लॉग नहीं करना है अपने दिमाग में, यू हैव टू यूज इट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यू हैव टू बी हम्बल। इफ यू आर हम्बल देन यू विल बी सक्सेसफुल, दैट्स द मैसेज। जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की जो मैं समझता हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, और उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं उन्होंने भी सीखा होगा। जाने से पहले क्योंकि नेहा जी ने एक दो शेर व शायरी की है, तो एक छोटा सा शेर उनकी बातों को पूरा सारांश देते हुए मैं भी अपने दर्शकों तक रखना चाहूंगा। वो ये आपने बोला कि जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी ह्यूमिलिटी आती है, दुनिया की जानकारी बढ़ती है, और कहा जाता है कि पेड़ जितना फलदायी होता है उतना ही झुका हुआ भी होता है, ऐसा ऐसा माना जाता है। और एक शेर है जो कहता है कि हर वक्त तलाश गैर में रहता है आदमी, मतलब दूसरों की तलाश में रहता है कि मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए, तरक्की मिल जाए, गाड़ी मंगला मिल जाए, तो वो तलाश गैर है, मतलब आप दूसरे की तलाश में है। तो हर वक्त तलाश गैर में रहता है आदमी और डरता है कि कहीं खुद से मुलाकात ना हो जाए। तो ये जो चीज है इस चीज को मुझे लगता है हम सबको समझने की जरूरत है कि अपनी तलाश कीजिए, जैसे आपने बोला खुद को ढूंढिए। अगर आप अकेले और आप अपनी कंपनी से बोर जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि आप अगर खुद से बोरोगे और अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आप दुनिया में प्रेम का पैगाम कैसे भेजेंगे, अच्छी अच्छी बातें कैसे करेंगे। क्योंकि यू नो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे टेक अवेज रहे आज सेशन से। और साथ ही साथ जाते जाते हमारी दर्शकों से छोटी सी अपील रहती है कि अगर आप हमारा ये चैनल, ये प्रोग्राम समझ आता हो और आपको लगता हो कि इसमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो आपसे बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, जो आप और लोगों तक फैलाएं, उन लोगों तक कानूनी जानकारी बढ़ाएं, उन लोगों को लीगल अवेयरनेस कैसे होती है हमारे देश दुनिया में उसके बारे में करें, तो सबसे सरल तरीका हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, थैंक यू।